मालिक वेरी गुड आफ्टरनून सभी लोगों को आवाज क्लियर है वीडियो क्लियर है जल्दी से इनपुट दे दो मालिक वेरी गुड आफ्टरनून सभी लोगों को आवाज क्लियर, क्लियर है. जल्दी। चलो जी कैसे हैं आप लोग क्या चल रहा है बेटा जिसका भी डाउट है जैसे परीक्षा आपका डाउट है प्लीज एंड पे पूछिए मैं उसके लिए एक सेपरेट uh, सेशन uh, ले रहा हूं डाउट सेशन लेता हूं तो आप प्लीज उसको एंड पे रखिए पार्लियामेंट सेशन में होने का क्या मतलब है इसका भी मैं आपको जवाब दूंगा आपके जितने भी डाउट है प्लीज उसको लिख के रखिए वैसे भी रफ पेज हम बनाते हैं लास्ट पेज को रफ पेज बना लीजिए लिख करके रखिए जवाब मैं दूंगा उसका टेंशन छोड़ दीजिए डन पापा ठीक है अभी आज थोड़ा सा नरम गरम इशू चालू है बट आई थिंक एवरीथिंग विल बी फाइन आप लोगों की दुआ साथ में है भगवान का साथ साथ में है सारी चीजें बराबर होगी बट आप सभी लोगों को पता है क्या है क्या, है, क्या नहीं है तो प्लीज उतना कोऑपरेट कीजिएगा यस yes, सर ओके okay. तो सभी लोग मालिक सभी लोगों को मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं मैंने आपसे कहा था कि सिंस ये आगे का पार्ट है इसके पहले के पार्ट आप लोगों ने देखे या नहीं देखे अगर देखे हैं तो मालिक क्या आप लोगों ने उसको रिवाइज किया है हाँ या हां रिवाइज किया है सब लोगों ने राइट चलो अगर नहीं भी रिवाइज किया होगा तो मैं फटाफट एक क्विक रिवीजन आप सभी के सामने रखता हूं सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा हिस्ट्री हिस्ट्री टैक्स वर्ड कहां से आया टैक्सो विच अ लैटिन वर्ड यस और नो एक्ट कहां से आए सर

ज द कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज चेंज इन रूल्स एक्ट प्रोविजन किसी भी तरीके का सिक्स मंथस बिफोर ऑल नोटिफिकेशन सिक्स मंथ बिफोर एग्जाम ऑल नोटिफिकेशन आर एप्लीकेबल सर्कुलर के लिए भी क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट एंड डिपार्टमेंट के लिए वो मैंडेटरी हो जाता है एंड 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 सर्कुलर जो रहेगा ये बाइंडिंग रहेगा डिपार्टमेंट को एस और कोर्ट्स के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है इसके बाद हमने देखा था जो टैक्स है ये प्रोग्रेसिव बेसिस पे होता है दैट इज हायर द इनकम हायर द टैक्स बराबर है टैक्स लगाने का पावर कहां से आया हम एक्ट पढ़ रहे थे तो क्या एक्ट में सिर्फ एक्ट होता है हाँ एक्ट में सिर्फ एक्ट होता है बराबर ना चलो एक्ट में सिर्फ एक्ट होता है मुझे याद आ रहा है आ रहा है मुझे याद आ रहा है आ रहा है एक्ट में सिर्फ एक्ट होता है और कुछ नहीं होता से यस से यस एक्ट में सिर्फ एक्ट होता है और कुछ नहीं होता से यस से यस एक्ट में सिर्फ एक्ट होता है एक्ट में और क्या होता है एक्ट में और कुछ नहीं होता हम कोई भी बुक खरीदते हैं, बस एक्ट होता है एक्ट में और कुछ नहीं होता से यस अरे बोलो ना हा हा बोलते क्यों नहीं बोलो हाँ नहीं नहीं तो और क्या होता है एक्ट में अगर सिर्फ एक्ट नहीं होता तो और क्या होता है नो नो तो और क्या होता है और भी कुछ होता है ओहो साहब सभी बोल रहे हैं नहीं एक्ट में और भी कुछ होता है हाँ ये 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 नालायक कौन है सरचार्ज और सेस भी होता है समृद्धि नालायक इसमें और भी कुछ होता है बेटा वो है यस शेड्यूल एंड अनेक्स्टर आप सही पकड़े हैं शेड्यूल क्या होता है सर शेड्यूल के अंदर में फॉर्मेट्स या आ, लिस्ट दी हुई होती है अनेक्चर क्लैरिफिकेशन करता है या चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है टेबल ऑफ फीस जनरली अनेक्शर के अंदर में कवर होती है अच्छा आ रहा है आ रहा है मेरे ध्यान में एक और सवाल आ रहा है सवाल यह है कि एक्ट और केस लॉ अगर झगड़ ले तो पहले केस लॉ पढ़ेंगे बराबर एक्ट और केस लॉ अगर झगड़ ले तो पहले केस लॉ पढ़ेंगे चलो फिक्स करते डन करते हैं इस बात को से यस से यस एक्ट और केस लॉ झगड़ ले तो पहले हम केस लॉ पढ़ेंगे फिर एक्ट पढ़ेंगे और बस खत्म हो गया ना और क्या करेंगे ओहो पहले एक्ट बहुत बढ़ चढ़ के जवाब दे रहे हैं सभी लोग बहुत मजा आ गया साहब बहुत मजा आ गया सबसे पहले क्या पढ़ेंगे एक्ट पढ़ेंगे एक्ट में कुछ नहीं मिला तो कहां जाएंगे केस लॉ में जाएंगे और केस लॉ में भी नहीं मिला तो हम कहां जाएंगे कस्टम्स देखेंगे जो कई सालों से फॉलो हो रहा है उस चीज को देखेंगे और उस चीज के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे यस अच्छा जी इनकम टैक्स एक्ट में कितने सेक्शन है जल्दी से बताइए अगर आपने रिवाइज किया है तो आप इसका जवाब जरूर देंगे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में कितने सेक्शन है हाँ सिक्स हंड्रेड सेक्शन है इनकम टैक्स में बोलो हाँ यहां अरे बोले जल्दी हाँ यहाँ हाँ सिक्स हंड्रेड सेक्शन है सिक्स हंड्रेड देखो सबके जवाब आ रहे हैं सिक्स हंड्रेड पे सिक्स हंड्रेड सेक्शन है ओहो साहब सही में पढ़ के आये हो तुम लोग तो सारे जीवन में सच में जीवन में पढ़ के आयो तुम लोग तो क्या बात है बिल्कुल सही जवाब 298 नाइनटी एट सेक्शन से इनकम टैक्स अच्छा हाँ हाँ हा, एक मिनट एक मिनट आ रहा है आ रहा है मेरे ध्यान में आ रहा है आ रहा है मेरे ध्यान में इनकम टैक्स में ना एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया Except Jammu and Kashmir, say yes or yes. Income tax applicable to whole of India except Jammu and Kashmir, say yes or yes. Income tax is applicable to whole of India except Jammu and Kashmir, say yes or yes. No, is it applicable to whole of India, yes. बिकॉज ये कलेक्ट होता था कैसे बेटा लैंड रेवेन्यू के हिसाब से कलेक्ट होता था ठीक है साहब फिर हमें कल मिले थे किशन जी याद आ रहा है आपको किशन जी के घर पे हमने रेड मारी थी और हमें वो सब कुछ दिख गया था जो हमें नहीं देखना था किशन जी ने हमसे सवाल पूछा इज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी किस हक से तुम टैक्स कलेक्ट कर सकते हो तो हम हक ढूंढने निकले सबसे पहला आर्टिकल पढ़ा आर्टिकल 265 जिसने हमसे बड़े सीधे कड़क और साफ शब्दों में कह दिया नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ मतलब अगर किसी भी तरीके का टैक्स लेवी करना है या कलेक्ट करना है तो अथॉरिटी चाहिए जो लॉ बनाए और उस लॉ को गवर्न करे अथॉरिटी कौन थी आर्टिकल 245 में हम लोगों ने पढ़ा अथॉरिटी थी मालिक आपका पार्लियामेंट लेकिन पार्लियामेंट अगर सेशन में ना हो तो क्या हम कभी लॉ बना ही नहीं पाएंगे इसके लिए हम लोगों ने देखा आर्टिकल 123 टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है कि अगर पार्लियामेंट में ना हो तो प्रेसिडेंट प्रोमोलगेट कर सकते हैं क्या ऑर्डिनेंस और ऑर्डिनेंस भी लॉ का ही पार्ट बनता है जब तक पार्लियामेंट सेशन में ना आ जाए या पार्लियामेंट इसे अप्रूव कर दे तो वो लॉ का ही पार्ट क्या हो जाता है बन जाता है इसके बाद हम लोगों ने देखे कि भैया पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया लॉ मेकर ने अपना काम कर दिया अब लॉ इंप्लीमेंटर मतलब क्या कि पार्लियामेंट एक बॉडी को ये काम सौंप देगा जिसे हम कहते हैं सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन अब वो बॉडी कौन बनी सीबीडीटी और सीबीआईसी सीबीडीटी डायरेक्ट टैक्सेस को हैंडल करती है दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और सीबीआईसी इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स को हैंडल करती है मालिक याद आ रहा है आपको कुछ अरे हाँ यहाँ हाँ याद आ रहा है मालिक अच्छा जी आगे बढ़ते हैं फिर हमने देखा कि बॉस कुछ पावर्स गए सेंटर को कुछ पावर्स गए यूनियन कुछ पावर गए स्टेट को और कुछ दोनों मिलकर के हैंडल करते हैं आर्टिकल 246 फोर्टी सिक्स रीड विथ शेड्यूल सेवन हमने देखा कि यूनियन के पास जो पावर है वो पावर है इनकम टैक्स कलेक्ट करने का अंडर एंट्री नंबर अरे हाँ हाँ आ रहा है आ रहा है हाँ एंट्री नंबर 92 टू नाइनटी टू हाँ हाँ एंट्री नंबर 92 करेक्ट 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 आ रहा है आ रहा है मेरे को याद आ रहा है एंट्री नंबर 92 है ना हाँ 92 92 92 टू नहीं नहीं हंड्रेड टू हंड्रेड टू हा एंट्री नंबर याद नहीं आ रही यार याद आ रही है अरे वही एंट्री नंबर जिससे वो एग्रीकल्चर पे भी हम टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं अरे रे रे हाँ रे, हाँ हा, अरे आप लोग तो एटी टू कह रहे हो एटी टू है 92 टू है एटी टू है एटी टू तो तुम बोल रहे हो इसलिए मान लेता हूं चलो बिल्कुल सही जवाब एंट्री नंबर एटी टू टू दूनियन लिस्ट पर क्या इसमें एग्रीकल्चर भी कवर होता है जल्दी, जल्दी लिखा था टैक्सेन ऑन एग्रीकल्चर तो क्या एग्रीकल्चर पर टैक्स कलेक्ट नहीं हो सकता ना मुन्ना ना एग्रीकल्चर पर टैक्स कलेक्ट हो सकता है कौन करेगा स्टेट गवर्नमेंट एंट्री नंबर 46 सिक्स एंट्री नंबर 46 टू द स्टेट लिस्ट बहुत बढ़िया बेटा आप लोग एक्टिव हो जवाब दे रहे हो और बहुत अच्छे जवाब दे रहे हो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है मतलब आप लोग आज पढ़ के आए हो जो बहुत जरूरी है ठीक है सर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि वह सीबीडीटी टी सीबी तो कल तक हमें कितने वर्ड पढ़ने हैं ध्यान से सुन लीजिए हमें चार ही वर्ड पढ़ने हैं ज्यादा नहीं पढ़ने हैं हमें चार ही वर्ड पढ़ने हैं पहला वर्ड है इनकम दूसरा वर्ड है टैक्स एक्ट इसमें से एक्ट को हमने तोड़फोड़ करके रख दिया आपको हमारा मंत्र तो याद होगा पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो एक्ट को तोड़ताड़ कर दी फिर हम घुसे कहां पे टैक्स वर्ड को समझने के लिए हमने टाइप ऑफ टैक्सेस समझे टाइप ऑफ टैक्सेस कितने थे दो डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडी हैंडल करता है इनडायरेक्ट टैक्सेस सीबीआईसी हैंडल करता है सीबीडी किन किन तरीके के डायरेक्ट टैक्सेस को हैंडल किया करता था इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स एस्टेट ड्यूटी गिफ्ट टैक्स जिसमें से बचे हुए तीन को क्या कर दिया अबॉलिश कर दिया और आज के तारीख में सिर्फ इनकम टैक्स चल रहा है और इनडायरेक्ट टैक्सेस सीबीआईसी इसमें एज ऑफ नाउ जीएसटी एंड कस्टम्स हम लोग कवर कर रहे हैं ठीक है इस तरीके से आपका पूरा पोर्शन बनता है टैक्सेस और ड्यूटीज के बीच में मेजर फर्क क्या है ड्यूटीज जनरली गुड्स के ऊपर इंप्लाई की जाती है और बाकी सब चीजों के ऊपर टैक्सेस इंप्लाई किए जाते हैं हेंस इनकम टैक्स एक्ट 1961 बना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहां तक का सभी लोगों को क्लियर रिवाइज हो गया यहां तक के हमने पढ़ाया कोई बच्चा आज से ज्वाइन हो रहा होगा पहली बार मुझे देख रहा होगा दो बातें बड़ी क्लियर कर दू पहला तो डरना मत ठीक है दूसरा अगर आपने नहीं भी किया होगा तो इसके पहले का प्रोविजन बिल्कुल आराम से अच्छे से पढ़ के आ जाना ठीक है चलो सेठ आगे बढ़ते हैं हमने पेज नंबर वन नोट्स का पढ़ लिया था पेज नंबर टू नोट्स का कंप्लीट कर लिया था पेज नंबर थ्री के ऊपर आइए सभी लोग स्कोप ऑफ इनकम टैक्स के ऊपर आइए अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं यहां तक के नॉलेज के बेसिस पे क्या आपको सिर्फ इनकम टैक्स पढ़ना है आंसर इज नो इनकम टैक्स पढ़ते वक्त स्कोप इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है स्कोप मतलब इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है इनकम टैक्स के अंदर अब जवाब आप देंगे क्या हमें इनकम टैक्स पढ़ना है यस क्या हमें इनकम टैक्स रूल्स पढ़ने हैं यस क्या हमें नोटिफिकेशन पढ़ना है यस क्या हमें सर्क्यूलर पढ़ना है यस हमें जुडिशियल डिसीजन पढ़ने हैं यस यानी स्कोप इनकम टैक्स में क्या क्या पढ़ना है हम पांच चीजें पढ़ेंगे इनकम टैक्स एक्ट इनकम टैक्स रूल्स नोटिफिकेशन सर्क्यूलर जुडिशियल अपडेट ये पांच चीजें मिला के बनती है स्कोप ऑफ इनकम टैक्स अब इसका जवाब बड़ा क्लियर है पेज नंबर तीन के ऊपर आइए आपको दिख जाएगा स्कोप ऑफ इनकम टैक्स सबसे पहले है इनकम टैक्स एक्ट आक। एक्ट क्या करता है डिटर्मिनाइंग करता है आपके टैक्सेबल इनकम आपकी टैक्स लाइबिलिटी असेसमेंट प्रोसीजर अपील पेनल्टी प्रोसिक्यूशन ये वर्ड्स क्या है ये आपको जानना एज ऑफ ना जरूरी नहीं है एज ऑफ ना आपको बस इतना समझना है कि आपकी इनकम कैसे निकालेंगे और टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकालेंगे ये एक्ट बताएगा रूल्स क्या करता है इंप्लीमेंट करता है जो एक्ट के अंदर में लिखा है आउट करता है पर्पज ऑफ द एक्ट लोगों से टैक्स लगाना और टैक्स रिकवर करना एंड इसके आगे रूल्स सेटअप करना 119 सेक्शंस कहता है यूएस इसको हम रीड करते हैं अंडर सेक्शन अंडर सेक्शन 119 सीबीडीटी इश्यू सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशन विच हेल्प्स टू क्लैरिफाइड द डाउट

ये अभी डिस्कस करने वाला मैटर नहीं है पर इसको हम जरूर डिस्कस करेंगे बस ये समझ लीजिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बात करते हैं डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिकेम द लॉ ऑफ लैंड आई थिंक हम लोग ये लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दे दिया तो वो कानून बन जाता है छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए राम मंदिर के लैंड का जो इशू था जो अराउंड 500 हंड्रेड इस से पेंडिंग था दूवमेंट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया ये लॉ ऑफ लैंड बन गया और ये मैटर खत्म हो गया मतलब सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी डिसीजन दे देता है तो उसको ऐसा माना जाता है कि ये प्रॉपर पार्लियामेंट से पास हुआ हुआ कोई कानून है और फिर इस पे ऊपर दोबारा कभी इशू अराइज नहीं हो सकता ठीक है सर ये वो पॉइंट है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था अब आई होप आपको इसका एक एक वर्ड समझ में आ गया होगा आगे बढ़ रहा हूं मैं आगे बढ़ रहा हूं मैं चार वर्ड हमें पढ़ने थे कौन कौन से वर्ड पढ़ने थे इनकम टैक्स एक्ट 1961 अब मैं इस वर्ड पे आ रहा हूं 1961 वाले ठीक है सभी लोग रेडी आर यू रेडी येस और नो चलो जल्दी से बता दो आर यू रेडी आगे का बताने के लिए आर यू रेडी यस चलो डन सर सो एवरी वन इज रेडी अब 1961 का लॉ अब जरा ध्यान से सुनना अब मेरी बात ध्यान से सुनना सभी लोग ठीक है सर दो साल पुरानी मैं शर्ट नहीं पहनता दो साल पुरानी मैं गाड़ी नहीं चलाता दो साल पुराने मैं गैजेट्स यूज नहीं करता दो साल पुरानी तो 1961 का लॉ मैं 2020-21 में पढ़ रहा हूं इसका क्या लॉजिक है और 1961 का लॉ मैं 2021 में पढ़ रहा हूं ऐसा क्यों? अरे ये इतना पुराना लॉ मतलब जब मैं पैदा नहीं हुआ था शायद मेरे डैड भी नहीं हुए होंगे उनके डैड भी नहीं हुए होंगे इफ एनी डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन तो इतना पुराना कानून हम आज भी चला रहे हैं भैया ऐसा क्यों ये मन में सवाल उठना चाहिए कि 1961 का लॉ हम आज भी पढ़ रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है क्यों आपने ये नहीं पूछा अपने फाउंडेशन के अंदर में ही अपने लॉ टीचर से साहब हमें इतना पुराना लॉ 1800 समथिंग का लॉ आप आज पढ़ा रहे हो 1932 का पार्टनरशिप एक्ट आप में आज पढ़ा रहे हो जब हम इतना रैपिडली चेंज कर रहे हैं तो आप हमें यू नो क्यों इतना पढ़ा रहे हो आगे पूछो ना क्यों 1961 का लॉ 2021 में पढ़ना साहब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है इतनी पुरानी चीजें एंटिक हो गया भाई साहब ये एक्ट ना होके एंटिक हो गया एक्ट ना होके एंटिक हो गया कि इतनी पुरानी चीज हम आज भी चला रहे हैं क्या बात है साहब तो साहब आप लोगों ने पूछ लिया है कि ऐसा क्यों हो रहा है तो मैं इसका जवाब दे देता हूं सर 1961 का लॉ हम आज भी पढ़ रहे हैं क्योंकि लॉ चेंज नहीं हुआ लॉ में समय समय पे आए अमेंडमेंट्स वर्ड आपने जरूर सुना होगा देखा होगा पढ़ा होगा आज हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं अमेंडमेंट्स के ऊपर किसके ऊपर डिस्कस करने वाले मालिक अमेंडमेंट्स के ऊपर आज हम लोग फटाफट डिस्कशन करने वाले हैं अच्छा जी एनी बडी टेल मी वॉट इज अमेंडमेंट आप सभी के मन में एक ही चीज आएगा सर चेंजेस अमेंडमेंट मतलब क्या चेंजेस आपके मन में यही सवाल आएगा चलिए बहुत बढ़िया बात है अच्छा जी तो ये जो अमेंडमेंट है ये जो चेंजेस है ये किस तरह के चेंजेस है ये जो तो चेंजेस है ये किस तरह के चेंजेस है और ये किस तरह से एप्लीकेबिलिटी में आते हैं मैं आपको बताता हूं सर अमेंडमेंट कब लाया जाता है सी अमेंडमेंट कहां से आते हैं अमेंडमेंट आते हैं बजट से हर साल बजट से आते हैं जिसके पीछे का हिस्ट्री में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब लॉ बनता है लॉ इंप्लीमेंट होता है इंप्लीमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम आता है वो लोग जाके सीबीडीटी हेड के पास पहुंचाते हैं कोई केस लॉ आता है उस केस को सीबीडीटी देखता है और इस चीज को सेटराइट करने के लिए क्योंकि अगर डिस्प्यूट कहीं अराइज हुआ है तो इस चीज को सेटराइट तो करना पड़ेगा तो इस चीज को सेटराइट किया जाता है ये सारी चीज साल भर लिख के रखी जाती है और अगले बजट के अंदर में अगला बजट जब भी आता है इस बजट के अंदर में पेश किया जाता है चलिए आप सबसे एक बहुत ही शानदार जबरदस्त सवाल बजट कौन से एक्ट के हिसाब से बनता है सभी लोगों का समय शुरू होता है अब मुझे जल्दी से बताइए लिख कर कमेंट करके लाइक करके कि साहब बजट कौन से एक्ट के हिसाब से बनता है आपके जवाब का वेट कर रहा हूं मैं बजट कौन से एक्ट के हिसाब से बनता है बजट कौनसे एक्ट के हिसाब से बनता है बहुत सही जवाब दिया जीजी जी ने फाइनेंस एक्ट बहुत बढ़िया अनुजा नो इंफॉर्मेशन प्रिंस कह रहे हैं फाइनेंस एक्ट प्रीतेश कह रहे हैं फाइनेंस एक्ट बहुत शानदार चल रहे हो बेटा बहुत शानदार चल रहे हो सागर जी भी कह रहे हैं फाइनेंस एक्ट ओहो साहब क्या बात इनकम टैक्स एक्ट अतुल कुलकर्णी साहब कह रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट ओए भाई साहब अविनाश कह रहे हैं फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट ठीक है, है साहब फाइनेंस 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 एक्ट, एक्ट, एक्ट और जिन जिन लोगों ने जवाब दिया कैसी बातें कर रहे हो आप मैं सही कर रहा हूं आप सही हो जाइए आज जाना अपने जितने भाई दोस्त यार रिश्तेदार है सबसे पूछना मतलब बता बजट कौन से एक्ट के हिसाब से बनता है वो बोलेगा फाइनेंस एक्ट ऐसा टपली पे माने चल जो कहीं के गूगल ओपन कर लीजिएगा आपको पता चल जाएगा बजट बनता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट से पूरी बात सुनिएगा बजट बनता है एफ आर बी एम एक्ट के हिसाब से एफ आर बी एम का फुल फॉर्म होता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट

वो बजट एप्लीकेबल नहीं होगा उसके डिटेल्स तो में आएगा जो मैं समय हुआ करता था बजट आता था ट्वेंटी बर्थडे के दिन लेकिन इसे चेंज किया गया इस ब्रिटिश प्रैक्टिस को चेंज किया गया और अब जो बजट आता है ये आता है फर्स्ट ऑफ फेब्रवरी एवरी ईयर तो हर साल फर्स्ट फरवरी को क्या आता है बजट लेके आते हैं। बजट कौन लेकर के आता है बजट लेकर के आते हैं फाइनेंस मिनिस्टर जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो बजट लेकर के आते हैं क्या खास रहा है कुछ पिछले सालों में बजट में बजट हमेशा पहले एक ब्रीफ केस में आता था इट वॉज श्री निर्मला सीतारमन जी जिन्होंने इसे लाल कपड़ों में लाना शुरू कर दिया हिंदू ट्रेडिशन को दिखाते हुए भैया हम बहीकाते जो लाते हैं ये लाल कपड़ों में रखा जाता है दिवाली में तो उन्होंने भी पिछले बार लाल के अंदर में लेकर के आया था खैर अगर दो दिन पहले की न्यूज बताऊं तो निर्मला सीतारामन जी कह रही हैं कि अब तक हंड्रेड इयर्स में कभी ऐसा बजट नहीं आया होगा हम ऐसा बजट इस साल प्रिपेयर करने जा रहे हैं पता नहीं अब दीदी क्या नया लेके आ रही है ये yes सुनो no? अच्छा जी अब मैं आपको बताता हूं कि बजट जो आते हैं कितने प्रकार के होते हैं बजट जब बनता है ना तो इसमें सिर्फ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस का पार्ट कवर नहीं होता इसमें एग्रीकल्चर हेल्थ या बाकी सेक्टर्स से रिलेटेड भी डिटेल्स दी जाती है यस yes, अब तक का सबसे बड़ा बजट नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से ये निर्मला सीतारामन जी ने ही डिलीवर किया हुआ है यस yes, अब तक का सबसे लंबा बजट जो ऑलमोस्ट टेंटेटिवली दो घंटे तक के पहुंचा था टेंटेटिवली सारे डिस्कशन एंड ऑल मिला के बोल रहा हूं मैं आपको जी हाँ इसमें हर सेक्टर की डिटेल होती है सर मुझे भी देखना है बजट कैसा दिखता है कैसा लिखा हुआ होता है कोई बात नहीं आप बजट डॉट निक डॉट इन पे जा सकते हैं जी हाँ यह इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है बजट डॉट निक डॉट इन या गूगल पे भी डाल करके आप इंडिया बजट डालोगे तो इंडिया बजट डॉट निक डॉट इन नाम की वेबसाइट ओपन होगी वही ऑफिशियल वेबसाइट है और पिछले जितने सालों के जो बजट आए हैं उस वेबसाइट के ऊपर डिजिटल डेटा अवेलेबल है यस अच्छा जी सर मुझे एक बात बताइए बजट कितने प्रकार के होते हैं राइट right? कॉस्टिंग में ये जो आपको पढ़ाया जाएगा इससे थोड़ा अलग है ध्यान से सुनना बजट दो प्रकार के होते हैं एक होता है बेटा फाइनल बजट और दूसरा होता है बेटा इंट्रीम बजट बजट दो प्रकार के होते हैं एक होता है फाइनल बजट दूसरा होता है इंट्रीम बजट दोनों के बारे में आपको समझना जरूरी है इंट्रीम बजट किस साल आता है जिस साल इलेक्शन होते हैं अदरवाइज हर साल फाइनल बजट आता है जिस साल इलेक्शन होते हैं उस साल इंटरम बजट आता है और इंटरम बजट क्या करता है सबसे पहले वो छह महीने के लिए होता है जैसे ही फिर इलेक्शन हो जाता है न्यू गवर्नमेंट अपना बजट पेश करती है जैसे कि 2019 का आप साल ले लीजिए 2019 के अंदर में इलेक्शन हुए राइट तो एक बजट आया पांच सॉरी एक फरवरी को और दूसरा बजट री इलेक्ट होने के बाद मोदी गवर्नमेंट ने लेके आया था पांच जुलाई को तो इंटरम बजट लाया जाता है जिसकी वैलिडिटी आप ऐसा समझ लीजिए छह महीने की होती है मैक्सिमम राइट दूसरा होता है फाइनल बजट ये एवरी ईयर आता है बराबर है अब वो इंटरम बजट हो या फाइनल बजट हो इसमें क्या होते हैं चेंजेस होते हैं चेंजेस इन रिस्पेक्ट टू फाइनेंस एक्ट ध्यान से सुनिएगा इसके अंदर में क्या होते हैं मालिक चेंजेस होते हैं चेंजेस किस रिस्पेक्ट में होते हैं? चेंजेस इन रिस्पेक्ट फाइनेंस फाइनेंस एक्ट, एक्ट से रिलेटेड इसके अंदर में चेंजेस होते हैं और इसका पोर्शन आफ्टर अप्रूवल फाइनेंस एक्ट का पार्ट बन जाता है मतलब बजट पेश होने के बाद का भी प्रोसेस को थोड़ा सा समझिए जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट दिया ऐसा नहीं होता कि वह बजट तुरंत एक्सेप्ट हो जाता है नहीं इस बजट के ऊपर बाद में डिस्कशन होते हैं डिस्कशन होने के बाद इसे अप्रूवल करना पड़ता है तो डिस्कशन के बाद इसमें चेंजेस होते हैं सबकी राय ली जाती है अपोजिशन तो वालों की राय ली जाती है और इसके बाद इसमें चेंजेस करके प्रेसिडेंट अप्रूव करते हैं जब यह बजट अप्रूव हो जाता है इसके बाद यह फाइनेंस एक्ट का पार्ट बनता है तो यह बैक का प्रोसेस होता है ये सोनो जिस दिन गवर्नमेंट बजट बना देती है क्योंकि अभी आपको देखने को मिलेगा इसीलिए सुन लो राइट हालांकि मुझे बताना जरूरी नहीं है बट साहब मजा आएगा आपको पढ़ने में जब बजट बन के तैयार हो जाता है इसे ब्लू कहा जाता है इसे ब्रू कहा जाता है या पिंक पेपर भी कहा जाता है ये जो बजट होता है साहब ये जो बजट होता है ये बजट कंप्लीट और प्रेजेंट होने से पहले एक हलवा पार्टी होती है जो अराउंड हंड्रेड इंडिया में चल रहा है जब भी बजट कंप्लीट होता है जिन जिन लोगों ने इस बजट को कंप्लीट किया है उन्हें मिनिस्ट्री की तरफ से एक हलवा पार्टी की जाती है जिसके अंदर में ऐसा होता है कि सारे लोग जो बजट के अंदर में इन्वॉल्व है इसको बनाने में पेश करने में या इसके सजेशन देने में उन सभी लोगों को इन्वाइट किया जाता है और पार्टी शॉर्ट ऑफ की जाती है लेकिन उसमें हलवा बनाया जाता है जिसे हलवा पार्टी भी कहा जाता है जो अभी जनवरी एंड में आपको दिख जाएगा होगी ही अच्छा जी साहब फिर बजट पेश हुआ बजट के ऊपर डिस्कशन हुए अप्रूवल हो गया अब इसमें का पार्ट निकल के कहां पहुंच गया अप्रूवल के बाद फाइनेंस एक्ट के अंदर में अब इसमें चेंजेस होते हैं चेंजेस इन फाइनेंस एक्ट जो हुए इसमें दो तरह के चेंज होते हैं कुछ चेंजेस जो डायरेक्ट एक्सेस से रिलेटेड होते हैं कुछ चेंजेस जो इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड होते हैं इस बात को बड़े ध्यान से सुनना जो चेंजेस होते हैं चाहे वो इंटरम बजट से आए हो चाहे फाइनल बजट से आए हो जो चेंजेस होते हैं चाहे वो इंटरम बजट से आए हो चाहे वो फाइनल बजट से आए हो ये बजट एप्लीकेबिलिटी कब से रखते हैं डायरेक्ट एक्सेस के चेंजेस इनडायरेक्ट एक्सेस के चेंजेस सर इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो चेंजेस होते हैं ये एप्लीकेबल होते हैं फ्रॉम मिड नाइट अनलेस नोटिफाइड इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो चेंजेस होते हैं यह एप्लीकेबल होते हैं मिड नाइट से मतलब उसी रात से जस्ट लाइक पेट्रोल प्राइसेस उसी रात से एप्लीकेबल हो जाते हैं अनलेस नोटिफाइड जब तक ये कुछ और ना कहा गया हो इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो भी चेंज आते हैं वो उसी रात से क्या कर दिए जाते? जाते हैं अप्लाई कर दिए जाते हैं सर डायरेक्ट एक्सेस के चेंजेस अब यहां से बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट चालू हो रहे हैं दस मिनट तक के किसी ने वीडियो स्पीड किया होगा तो स्लो कर लेना दस मिनट तक के बड़े ध्यान से सुनना एक सवाल आपका पेंडिंग था एक्ट 1961 और रूल्स 1962 इसका जवाब यहां आ रहा है और पसंद आएगा तो साहब आपको पता है क्या करना है फुल रिस्पेक्ट इनडायरेक्ट एक्सेस के चेंजेस उसी रात से अप्लाई होते हैं डायरेक्ट एक्सेस के चेंजेस कब से अप्लाई होते हैं इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर, इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर यानी क्या बजट अगर आता है फरवरी के अंदर में लेट से फर्स्ट फरवरी 202020 को बजट आया फर्स्ट फरवरी 202020 को बजट आया इसका एप्लीकेबिलिटी कब से हो जाता है इसका एप्लीकेबिलिटी हो जाता है फर्स्ट अप्रैल 2020, ट्वेंटी इज द नेक्स्ट ईयर राइट right? लेकिन पूरा इनकम टैक्स जो है ये पूरा इनकम टैक्स जो है ये असेसमेंट ईयर की लैंग्वेज में लिखा है हेंस इसकी एप्लीकेबिलिटी आती है मे 21 और नवंबर 21 को इसीलिए हम कह रहे थे कि जितने भी बच्चे मे 21 जून 21 या नवंबर 21 दिसंबर 21 डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन दे रहे हैं उनको कौन सा बजट एप्लीकेबल है उनको बजट एप्लीकेबल है जो फर्स्ट

21 22 के अंदर में दोगे हेंस जो बच्चे मई 21 जून 21 या नवंबर 21 दिसंबर 21 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इनको कौन सा बजट एप्लीकेबल है फाइनेंस एक्ट 2020 अब मैं आपके सवाल का जवाब देने जा रहा हूं जो मैंने आपसे पूछा था एक्ट 1961 और रूल्स 1962 ऐसा क्यों तो इसका जवाब यह है कि बेटा एक्ट तो आपका आ गया 1961 के अंदर में लेकिन ये एक्ट की लागू कब से किया जाएगा इंप्लीमेंट कब से किया जाएगा फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर दैट इज 1962, हेंस एक्ट 1961, रूल्स 1962, गेम ओवर कंसेप्ट एक्सप्लेन्ड ये है रीजन क्यों एक्ट 1961 और क्यू रूल्स 1962 नहीं तो ऐसा हो सकता था कि एक्ट और रूल्स दोनों सेम दिन पे ला दिए जाए लेकिन ऐसा होता नहीं एक्ट 1961 में आया तो इसका एप्लीकेबिलिटी 1962 से आएगा क्योंकि पूरा इनकम टैक्स आने वाले साल में लिखा हुआ है क्योंकि साल भर तो आप इनकम कमाओगे पूरी इनकम जानने के बाद उस पर टैक्स दोगे ना तो इसी के लिए यह बात है और भाई जब आप अपने किसी भी सीनियर से भाई से रिश्तेदार से ये चीज पूछोगे और उसको नहीं पता होगा उसको ये रीजन बताना उसकी आंख में आंसू आ जाएगा और बोलेगा भाई रिस्पेक्ट ये रीजन है साहब ऐसा नहीं है मैं उन उन लोगों में से बिल्कुल नहीं हूं साहब जो आपसे कह देंगे कि ये ऐसा है और इसको ऐसा पढ़ लो ना अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है मैं एवरेज बच्चा हूं मैं पहली बार पढ़ रहा हूं मेरे को पता होना चाहिए कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है फुल रिस्पेक्ट ये रीजन है अब मैं आपको इस रीजन का पेज नंबर वन पे आइए पेज नंबर वन की पहली लाइन फिर से पढ़े अब इस लाइन का मीनिंग आपको समझ में आएगा जरा इस लाइन को फिर से पढ़े द इनकम टैक्स एक्ट 1961 केम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम वन फोर नाइनटीन सिक्सटी टू आया आयाधान की दुकान में आया धन में मालिक यह है साहब इसका रीजन जो मैं आपको इतने देर से लटका के रखा हूं ना कि एक्ट 1961 रूल्स 1962 ऐसा क्यों देखिए इन पूरे लेक्चर के दौरान जब तक आप मेरे साथ है ऐसा कई बार होगा कि कई चीज ऐसी होगी जो मैं आपको बोलूंगा बेटा ये रोक के रखो कुछ आगे कनेक्ट होने वाला है तो बस आपने उस टाइम पे ये मान लेना कि ये कनेक्ट कर दूंगा क्योंकि अगर तुम्हें कुछ याद नहीं भी होगा तो ये मैं याद दिला दूंगा ये गारंटी मेरी बराबर है पर एक बात को मैं बहुत श्योर करूंगा साहब टाइम ज्यादा लगे चलेगा पर क्वालिटी मतलब क्वालिटी रहनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम किसी ने सवाल पूछा तो तुम्हारे बाय डिफॉल्ट के अंदर में वो चीज पता रहनी चाहिए कि ऐसा क्यों है बेटा इसका रीजन है ये कि डायरेक्ट टैक्स फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर से लागू किया जाता है साल भर तो आप इन लागू एक अप्रैल से हो जाएगा लेकिन इनकम कमाते आप टैक्स दे दोगे क्या नहीं पूरे साल भर इनकम कमाओगे और एप्लीकेबिलिटी नेक्स्ट ईयर आएगी हेंस जो जो बच्चे जून 21 या दिसंबर 21 दे रहे होंगे नवंबर डिसंबर ट्वेंटी दे रहे होंगे इनको जो एप्लीकेबल है वो है फाइनेंस एक्ट टू इस बात को मैंने यहां पर भी लिखा हुआ है डोंट वरी आपको लिखने की जरूरत नहीं है पेज नंबर चार पे आइए पेज नंबर फोर पे आइए एनुअल अमेंडमेंट्स यहां पे लिखे हुए हैं एवरी ईयर अलोंग विद बजट अ फाइनेंस बिल इज प्रेजेंटेड वर्ड को ध्यान से देखिएगा अलोंग विद बजट अ अंस बिल इज प्रेजेंटेड द प्रोविजन ऑफ सच फाइनेंस एक्ट आर देयर आफ्टर इनकॉर्पोरेटेड इन इनकम टैक्स एक्ट फिर जो उसकी प्रोविजन है वो बाद में इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में इंट्रोड्यूस की जाती है डायरेक्ट एक्सेस अमेंडमेंट आर इफेक्टिव फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज इनडायरेक्ट टैक्स अमेंडमेंट आर इफेक्टिव फ्रॉम मिड नाइट अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज अब जीएसटी आने के बाद क्या होता है जीएसटी आने के बाद जीएसटी की काउंसिल मीट्स होती है तो जीएसटी में कई मल्टीपल टाइम्स अमेंडमेंट आ सकते हैं क्योंकि अब वो बजट के थ्रू डील नहीं होता जीएसटी काउंसिल मीट के थ्रू डील होता है तो जब आप जीएसटी पढ़ोगे तब तो आप देख ही वो जीएसटी काउंसिल मीट के थ्रू डील होता है तो आप वहां देखोगे आप लोगों को जो एप्लीकेबल है यहां पर लिख के रखें सभी लोग सभी लोग यहां पर लिख कर रखना फॉर मे ऑब्लिक जून ट्वेंटी वन और November oblique, December twenty one. Finance Act twenty twenty is applicable. Budget two thousand twenty one is not applicable. क्योंकि कई बच्चे इस पार्ट को अगर मिस कर जाएंगे वो मेरे से ये सवाल जरूर पूछेंगे कि सर अब जो बजट आ रहा है ये बजट क्या मेरे काम का है तो इसका जवाब है नहीं ये बजट आपके काम का नहीं होगा डन सर तो इस साल जो बजट आया इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे फाइनेंस एक्ट 2020 में बजट आया तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ विजन रखे क्या विजन्स थे ये आपको पढ़ना जरूरी नहीं है ये सिर्फ नॉलेज परपज के लिए है फॉर नॉलेज ओनली ये सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए आपको पढ़ना जरूरी नहीं है बट मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि जब आप आगे अमेंडमेंट पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि ऐसा अमेंडमेंट आया है तो क्यों है ऐसा क्या है रेट्स ऑफ इनकम टैक्स चेंज किए हैं कुछ चेंजेस आए हैं रेट ऑफ इनकम टैक्स के अंदर में प्रमोशन के लिए मेजर्स टू प्रोवाइड टैक्स सर्टानिटी कुछ टैक्स सर्टानिटी कहीं कहीं पे चीजें अनसर्टन थी क्लैरिटी नहीं थी उसकी सर्टानिटी प्रोवाइड टिंग टैक्स अब्यूज कई लोग टैक्स चोरी कर रहे थे उसके मेजर्स के लिए कुछ काम किए गए हैं टैक्स इंसेंटिव कई जगह पे आपको बेनिफिट दिए गए हैं टैक्स के अंदर में रिमूव डिफिकल्टी फेस्ड बाय टैक्स पेयर टैक्स पेयर कई जगह पे कुछ डिफिकल्टीज फेस कर रहे थे जो सीबीडीटी को पता चली और उसे करबअप किया गया आप सीधे शब्दों में समझिए ना आप कोई मोबाइल खरीद लेते हैं इसके बाद में क्या आता है अपडेट आता है वो अपडेट क्या करता है कुछ चीजों को फिक्स करता है बस ये भी वही काम करते हैं हर साल वाइडनिंग द टैक्स बेस टैक्स को और लोगों के ऊपर लेकर के जाना रेवेन्यू मोबालाइजेशन जो पैसा टैक्स से आया है इसे और अलग 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 अलग, अलग, अलग रिसोर्सेस के अंदर में लगाना इफेक्टिवली इंप्रूव करना मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इफेक्टिवली इंप्रूव करना रैशनलाइज करना सभी के लिए कॉमन तौर पे रहे किसी के ऊपर ज्यादा किसी के ऊपर कम ना रहे तो उसे रैशनलाइज करना तो इतने ऑब्जेक्टिव के साथ फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी आया था अब वापस से उसी सवाल पे वापस चलते हैं हम क्या पढ़ रहे थे इनकम टैक्स एक्ट आता है फिर से 1961 का में पढ़ रहे हैं क्या लॉजिक है बजट है से बजट कौन से एक्ट के हिसाब से प्रिपेयर होता है फिजिकल है उसके अप्रूवल्स के बाद फाइनेंस बिल अप्रूवल्स के बाद फाइनेंस एक्ट के अंदर में वह एड कर दिया जाता है एंड डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के चेंजेस उस हिसाब से आते हैं गेटिंग इट और नॉट मालिक आगे बढ़ते हैं सर इसके बाद क्या हुआ इसके बाद ये होता है साहब कि आप आगे बढ़ते हो आपने अमेंडमेंट्स देखा एनुअल अमेंडमेंट समझे एनुअल अमेंडमेंट्स की एप्लीकेबिलिटी समझी तो आपको जो एप्लीकेबल है वो फाइनेंस एक्ट 2020 एप्लीकेबल है लेकिन मैंने आपको पहले ही लेक्चर के अंदर में बड़ा क्लियर कर दिया कि फाइनेंस एक्ट 2020 की अगर आप बात करोगे ध्यान से सुनना एक्ट 2020 की अगर आप बात करोगे तो सिर्फ इतने से काफी नहीं हुआ ये तो एक फरवरी को आ ही गया था लेकिन इसके बाद कोविड सिचुएशन के अंदर में ऑर्डिनेंस आया ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट किया प्रेसिडेंट ने ये आए आपको मार्च के अंदर में तो उसकी भी कुछ प्रोविजंस आपको एप्लीकेबल है कुछ नोटिफिकेशन निकले जून सितंबर के अंदर में ये भी आपको एप्लीकेबल है तो इस तरीके से आपको बहुत सारी चीजें अप्लाई करती है चलिए सर डन अब आते हैं हम चौथे वर्ड के ऊपर इनकम यहां नाइनटीन का लॉ दो इक्कीस में क्यों पढ़ रहा है ये क्लियर है साहब उम्मीद करता हूं ये क्लियर होगा और अब बढ़ते हैं आगे अब हम पढ़ते हैं लास्ट वर्ड तो जाके हमारा बेसिक खत्म होगा अभी तक हमारे बेसिक चल रहे है। मैंने इनकम टैक्स पढ़ाना शुरू नहीं किया है साहब आपको ध्यान से सुनिए इनकम इनकम इस वर्ड को सुनते ही आपके मन में एक ख्याल आता है कमाई और कई ख्याल आते हैं कमाई से रिलेटेड जो मेरे अंदर भी आ रहे हैं और आपके अंदर में भी आ रहे हैं तो चलो आज डिस्कस करते हैं फोन अपने हाथ में रखिएगा क्योंकि मल्टीपल टाइम आपको कमेंट करने की जरूरत पड़ेगी जब कहूंगा तभी कमेंट करना ठीक है ताकि आपको कुछ समझ रहा है कि नहीं यह मेरे तक के पहुंचे इनकम इनकम मतलब कमाई कमाई किस तरह की की? कमाई किस तरह की की क्या हम सिर्फ लीगल कमाई की बात कर रहे हैं या इन कमाई की भी बात कर रहे हैं क्योंकि वहां पे लिखा है इनकम तो इनकम मतलब क्या सिर्फ लीगल या इन तो चलिए एक एग्जांपल देता हूं मैं हूं सुल्तान मिर्जा राइट लोगों का मर्डर कर सकता हूं मैं या किसी भी तरह की स्मगलिंग कर सकता हूं मैं या कोई और चीज जो इनलीगल कही जाती है उनका धंधा करता हूं मैं पैसे आए क्या ये मेरी इनकम है और इसके ऊपर टैक्स देना है दूसरा कई लोग कहते हैं मुझे ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो इन लोगों को मैं ड्रग देता हूं पैसे आए क्या इसके ऊपर मुझे टैक्स भरना है अभी जवाब मत दीजिए मैं जब आपसे जवाब मांगूंगा तभी मांगूंगा तभी देना तो वो कहते हैं मुझे ड्रग दो ड्रग दो ये दो वो दो उनको मैं बेचता हूं मुझे पैसे आए क्या ये मेरी इनकम है तीसरा आपको तो पता है अपने के शौक बड़े अपन लॉटरी खेलते लॉटरी खेल करके पैसा आया क्या ये मेरी इनकम है मैं कौन बनेगा करोड़पति के गेम में गया गेम खेला मैं पैसे जीता क्या ये मेरी इनकम है मैं एक दिन एक बाबा के पास गया बाबा बड़े गुफा उफा में बैठे थे आपको तो पता है गुफा उफा वाले बाबा मैं गुफा उफा वाले बाबा के पास गया बाबा बाबा न जा बेटा तेरा कल्याण हो राइट ने कहा कि लाल कलर का स्कूटर ले लेकर पानी शुरू हो जाएगी मैंने बोला ओके बाबा बाबा को पांच सौ रुपए दे दी क्या बाबा के लिए वो इनकम है सोचिए इन सारे पॉइंट को सोचिए आपके आजू बाजू अगर कोई दोस्त भाई यार रिश्तेदार बैठा होगा तो उससे भी बात कीजिए कि क्या ये इनकम हो सकता है एक दिन मैं रस्ते में जा रहा था भेलपुरी खा रहा था अचानक नीचे दो हजार का नोट पड़ा हुआ दिखा मैंने दो हजार का नोट उठाया जेब में डाल दिया क्या ये मेरी इनकम है पांचवा सवाल मेरे घर के अंदर में रद्दी पड़ी थी बराबर है फाउंडेशन में पास होने वाला हूं यह मुझे पता था मैंने पुरानी बुक्स उठा करके बेच दी मॉड्यूल पुराने उठा करके बेच दिया क्या यह मेरी इनकम है मैंने मेरा पुराना मोबाइल ओ पे बेच दिया क्या यह मेरी इनकम है एक दिन हम ये कोर्स कर रहे थे कोर्स करने थे। पैसे की जरूरत पड़ी पप्पा ने बचपन में सोने का दांत डलवाया था वो सोने का दांत बेच मारा क्या यह मेरी इनकम है मैं साल भर के अंदर में हम लोग रेलवे वैगन बनाते हैं हम लोग एरोप्लेन बनाते हैं और साल भर में सिर्फ एक सेल हुआ क्या यह मेरी इनकम है हम हैं तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट शिरडी साईं संस्थान ट्रस्ट कोल्हापुर लक्ष्मी माता ट्रस्ट हमें लोग वॉलेंट्री डोनेशन देकर के जाते हैं डब्बे में पैसे डाल के जाते हैं क्या भगवान के लिए वो इनकम है वो डोनेशन तो भगवान को दे रहे हैं क्या भगवान के लिए वो इनकम है सोचिए इस पॉइंट्स के ऊपर कि हम इनकम को किस प्रारूप में देखना चाहते हैं यहां पे मैं जॉब कर रहा हूं सैलरी आ रही है क्या ये मेरा इनकम है सोचिए 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 पहले दो मिनट सोच लीजिए मैं जितने एग्जांपल आपके सामने खड़े कर रहा हूं एक एक एग्जांपल एक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे यस बताइए मैं एडवर्टीजमेंट करता हूं मैं क्रिकेट खेलता हूं मैं मूवी में हूं पैसे कमाया क्या ये मेरी इनकम है सारे एग्जांपल्स आपने सुन लिए अब एक एक करके एक एग्जाम्पल पे बात करते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल पे हम लोग बात करते हैं ठीक है सबसे पहले एग्जाम्पल पे पहला एग्जाम्पल है सुल्तान मिर्जा या किसी भी तरह की इनलीगल एक्टिविटी ड्रग्स बेचना या फिर मर्डर करके पैसा कमाया हफ्ता लेके पैसा कमाया क्या ये मेरी इनकम है स्मगलिंग करके पैसा कमाए क्या में यह मेरी इनकम है तो कौन कौन क्या क्या जवाब दे रहा है प्रतेश जी कह रहे हैं इनकम है वंश जी कह रहे हैं इनकम है गोपाल कह रहे हैं इनकम है प्रिंकल कह रहे हैं इनकम इज इनकम ऑफ लीगल और इन चार्टर्ड जी कह रहे हैं पता नहीं कौन सा नशा करता है ओहो साहब तो कई लोग कह रहे हैं यस 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 अच्छा जो नो वाले हैं ये जो नो वाले हैं मुझे इनमें ज्यादा इंटरेस्ट है क्यों ये मेरी इनकम नहीं है अरे भैया हर नोट पे गांधी जी तो है ही बस बात खत्म अरे पैसे पे थोड़ी लिखा होता है इन है या लीगल है पैसा तो पैसा होता है जिनने कहा यस ये इनकम है मैं उनसे बात नहीं कर रहा जो कह रहे हैं नो मैं बस उनसे डिस्कशन करना चाहता हूं कि क्यों मेरी इनकम नहीं है पैसा तो पैसा है पैसे पे थोड़ी लिखा होता है लीगल या इन लीगल है, है? युक्ता जी युक्ता जी कह रहे हैं नो अतुल जी कह रहे हैं नो ये मेरी इनकम नहीं है अविनाश कह रहे हैं देखो लीगल इन से कोई फर्क नहीं पड़ता इनकम इज इनकम ठीक है साहब बताओ साहब जब तक इनकम पता ना चले ऑफिसर को तब तक इनकम है अच्छा जब तक ऑफिसर को पता ना चले जब तक इनकम है कैसी बातें कर रहे हो सर वो ब्लैक मनी है नितिन जी कह रहे हैं सर वो ब्लैक मनी है अरे भैया क्या ब्लैक मनी नोट काला हो क्या आता है के Illegal income cannot be बी कंसिडर्ड इन एक्ट अभिषेक कहते हैं इन लीगल इनकम be बी कंसिडर्ड इन एक्ट अच्छा और ये कौन से कानून में पड़ा आपने क्योंकि अगर ऐसा है देखो मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं और इस बात पे फिर से सोचिए कि अगर आप कहते हैं illegal income इनकम इनकम नहीं है तो रेड क्यों मारी जा रही है इनकम है बट टैक्स नहीं लगेगा बहुत बढ़िया साहब बहुत सही जवाब बहुत सही जवाब इनकम है पर टैक्स नहीं लगेगा तो हम उसे डिस्कस क्यों कर रहे हैं इन इनकम कैन नॉट बी कंसिडर्ड इन इनकम टैक्स एक्ट अच्छा जी साहब यह आपने इनकम टैक्स में पढ़ा बोथ आर टैक्सेबल देखिए मैं आपसे यह सवाल ही नहीं पूछ रहा हूं टैक्सेबल है या नहीं सबसे पहले इस बात को समझिए मैं आपसे ये सवाल ही नहीं पूछ रहा हूं ये टैक्सेबल है या नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं ये इनकम है या नहीं टैक्सेबल है या नहीं हम ये बाद में डिस्कस करेंगे ये इनकम है या नहीं कंसिडर इनकम है तभी टैक्स है अच्छा जी साहब गौरी कह रही है इनकम है तभी टैक्स है ओनली रिकरिंग थिंग्स आर इनकम अतुल कह रहे हैं ओनली रिकरिंग थिंग्स आर इनकम तो अच्छा इस पॉइंट को याद रखिए अतुल जरा फॉर अनक्यूटेड इनकम ना सर बोत इनकम है लीगल एंड इन लीगल यस इनकम है एस प्रोहिबिटेड बाय इंडियन पिनल कोड लो साहब एक और ये जो लॉ मेकर आप बन रहे हैं अचानक से जो आपके अंदर में लॉ का कीड़ा जाग रहा है ये कहां से लाते हैं कौन है ऐसे लोग कहां से आते हैं ऐसे लोग बेटा साहिल इंडियन पेनल कोड आपको पता है किस बात का कोड है सर इनकम ओनली सप्लाई सा होता गा क्या लिख रहे हो बेटा अच्छे से तो लिखो इनलीगल इनकम तो पूरा गवर्नमेंट रख लेगी देखो यार तुम देखो इनमें से कई बच्चे ना बहुत डिस्कशन को गलत एंगल पे लेके जा रहे हैं कि इनकम टैक्स होगी कि नहीं होगी इनकम को कौन रख लेगा वो शो ही क्यों करेगा मैं आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं क्या ये इनकम है मैं इसके अलावा आपसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा टैक्स है या नहीं है कौन रखेगा दिखाएगा या नहीं दिखाएगा यह सब बात की बात हो गई इनकम है क्या अभी हम ये बात ही नहीं कर रहे टैक्स लगेगा क्या इनकम है क्या चलिए मैक्सिमम लोगों का जवाब इसमें से अगर देख लिया जाए तो वो कहते हैं इनकम है। मेरा क्या मानना है बताऊंगा दूसरे एग्जाम्पल पे मैं आ रहा हूं कमेंट को रोकना नहीं है दूसरे एग्जाम्पल पे मैं आ रहा हूं मेरा दूसरा एग्जाम्पल था कि मैं मंदिर में गया मंदिर में पैसे चढ़ा दिए भगवान के लिए क्या वो इनकम है राहुल जया कह रहे हैं यस सर्व इनकम है इनलीगल वाले एग्जाम्पल से हम आगे बढ़ गए भगवान को मैंने पैसे चढ़ाए बताओ क्या ये इनकम है यस यस लो साहब भगवान के लिए नो वाले भी आ गए राहुल जी और तनुजा जी कह रहे हैं नहीं बाकी सब कह रहे हैं नहीं अतुल कह रहे हैं नो नहीं वो एक डोनेशन है अरे डोनेशन भी तो किसी के लिए इनकम हुई ना भगवान के लिए ये इनकम है लोग खुद ही तो मांगते भगवान के नाम पे दे दे तो लो इनकम तो हुई ना उनकी तो एक और सवाल उठा क्या वो इनकम है भगवान के लिए इनकम नहीं है पुजारी और ट्रस्ट के लिए इनकम है ओहो साहब इससे एक और सवाल खड़ा हो गया कि क्या भगवान को भी टैक्स देना पड़ सकता है क्या देखेंगे डिस्कस करेंगे तीसरे एग्जांपल पे मैं आता हूं आपके ओपिनियन चलते रहने दीजिए मजा आ रहा होगा आपको भी तीसरा चीज हम लोगों ने जो बात करी थी मैंने ओ पे अपना मोबाइल बेचा ओ पे अपनी किताबें बेच दी लेट्स से यार रद्दी में अपनी किताबें बेच दी अब बताइए ये इनकम है देखिए आप लोग बहस मत कीजिए आप सिर्फ अपना ओपिनियन रखिए रद्दी में किताबें बेची ओएलएक्स पे मोबाइल बेचा क्या ये इनकम है जल्दी जल्दी कमेंट करते जाओ जल्दी जल्दी रोकना नहीं है यस मैक्सिमम बच्चे इसे यस कह रहे हैं कि हां सर ये तो इनकम हम मान रहे हैं बहुत बढ़िया बेटा अच्छा मुझे एक बात बताओ इसी से एक और क्वेश्चन को ट्रिक कर देता हूं मैंने मोबाइल चुराया ओ पे बेच दिया अब यह इनकम है क्या अब आप क्या गेम खेलोगे मालूम है अब बोलोगे नहीं सर ये तो इनलीगल है सर क्यों एल एक्स पे बेचते वक्त तुम्हें कौन सा बिल मांगा जाता है हाँ। चलिए सवाल को और आगे बढ़ाता हूं सवालों को और आगे बढ़ाता हूं बहुत मजा आ रहा है साहब शानदार सवालों को और आगे बढ़ाता हूं साहब मैं नौकरी कर रहा हूं या एक्टिंग कर रहा हूं पैसे आ रहे हैं क्या यह मेरी इनकम है जल्दी जल्दी लिखते जाओ चलिए यह भी मेरी इनकम है क्या बात है बहुत शानदार जा रहे हो बहुत शानदार जा रहे हो आगे बढ़ता हूं मैं एक और सवाल पूछता हूं मैं साल भर में एक प्लेन या एक ट्रेन बनाता हूं और हम ट्रेन या प्लेन बेचते हैं किसी सरकार को पैसे आते हैं बताइए क्या ये मेरी इनकम है साल में एक ही ट्रांजैक्शन है साल भर में एक ही ट्रांजैक्शन है चलिए साहब ये भी इनकम है बहुत शानदार है सही जा रहे हो बहुत सही जा रहे हो बेटा सवाल लास्ट रस्ते से जा रहा था भेलपुरी खा रहा था और अचानक मुझे 2000 का नोट दिखा, मैंने उठाया जेब में डाल दिया क्या ये मेरी इनकम है रस्ते से जा रहा था भेलपुरी खा रहा था और दो हजार का नोट मिला क्या ये मेरी इनकम है देखिए इस बात पे हम डिस्कशन नहीं कर रहे कि कौन दिखाएगा कौन शो करेगा वो उस पर टैक्स कौन देगा इनकम है या नहीं है नो no. यस yes. चलो साहब प्रतेश स्प्रिंग करण नैंसी प्रतेश सब लोग जवाब दिए जा रहे गौरी अनुजा गोपाल दर्शन ओहो क्या बात है साहब भरमार लगा दी तुमने कमेंट की नहीं चलो एक लास्ट सवाल अपने मन से पूछ लेता हूं अब जैसे मेरा ही केस देख लीजिए मेरी बीवी ने इनकम कमाई और मुझे पॉकेट मनी दिया क्या ये मेरी इनकम है बताइए क्या ये मेरी इनकम है क्या बात है अच्छा बीवी कमाए और मुझे दे ये मेरी इनकम नहीं है क्या बात है साहब <laughs> सोचो अगर हम लाइव क्लास में बैठे होते वैसे तो हम बैठे ही है लेकिन आपकी शक्ल मुझे देखने को मिलती तो कितना मजा आ जाता ना मैं आपके एक्सप्रेशन देख पाता आप एक दूसरे को देख पाते एक दूसरे से झगड़ा कर पाते कि नहीं ये इनकम है या ये इनकम नहीं है चलिए डन आपके अब सारे कमेंट रोक दीजिए आगे बढ़ते हैं हम समझते हैं इनकम मतलब क्या देखिए इनकम टैक्स में क्या इनकम वर्ड को डिफाइन किया गया है एक एक पॉइंट को समझते हैं क्या इनकम को डिफाइन किया गया है आंसर इज यस लेकिन इनकम की डेफिनेशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है आइए नीचे मैं आपको बताता हूं कि इनकम इज डिफाइंड लेकिन इनकम की डेफिनेशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है किसी एक पर्टिकुलर चीज पे अगर आप पेज नंबर आठ देखेंगे पेज नंबर एट देखेंगे तो वहां पे आपको इनकम का डेफिनेशन दिखेगा सेक्शन टू सब सेक्शन ट्वेंटी फोर बराबर है अब जो लोग मुझसे ये कह रहे थे कि जो भगवान के नाम पे हम लोग डोनेशन दे रहे हैं चंदा दे रहे हैं ये इनकम नहीं हो सकता जरा पॉइंट नंबर टू पढ़े क्या लिखा है पॉइंट नंबर टू लिखा है वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड अगर कोई खुद होके डोनेशन दे रहा है डोनेशन बॉक्स में डाल रहा है इंग्लिश में इसे कहा जाता है वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन और इसे इनकम माना जाएगा अब किसका इनकम माना जाएगा भगवान का है उस ट्रस्ट का इस बात का भी जवाब मैं दूंगा पहले यह समझ लीजिए कि यह इनकम है किसका है इस बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे बराबर है तो जिन लोगों को ये सवाल था कि मैं किसी को अगर डोनेशन दे रहा हूं बाबा के पास जा रहा हूं बाबा के पैर छूके उनको अपने मर्जी से कुछ पैसे दे रहा हूं गुफा के अंदर में ये इनकम है किसके लिए ट्रस्ट के लिए या भगवान के लिए उस बाबा के लिए ये डिस्कस करना हमारा बाकी है क्योंकि वो आगे से लिंक्ड है ओके okay. सो so, क्या ये इनकम है यस yes, ये इनकम है दूसरा सवाल मैं लॉटरी जीता मैं केबीसी पे गया मैं कोई अदर गेम शो में पैसे जीता जैसे लेट्स रोडीज लव स्कूल ब्लाइंड डेट सो अन एंड सो फोर्थ इसमें कुछ पैसे जीता क्या ये मेरी इनकम है नीचे आइए पॉइंट नंबर सिक्स देखिए विनिंग फ्रॉम लॉटरीज क्रॉसवर्ड पजल अदर कैजुअल इनकम ये अदर कैजुअल इनकम है ना इसमें हर तरीके के गेम्स आते हैं चाहे वो तीन पत्ती से आए पोकर से आए आईपीएल से आए या किसी भी तरीके के गेम शो से आए ये सभी कैजुअल इनकम के अंदर में फॉल्व होते हैं और यस ये टैक्सेबल है अच्छा सर सम रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय टैक्सेबल होता है बिल्कुल कोई गिफ्ट में भी आपको दे दे तो गिफ्ट भी टैक्सेबल होता है जैसे कि मैंने कहा था गिफ्ट टैक्स तो एबॉलिश हो गया लेकिन गिफ्ट का प्रोविजन कहां टैक्सेबिलिटी में आ गया इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में टैक्सेबिलिटी में आ गया वो यहां कवर हो गया अब इसको डेफिनेशन को देखा जाए मैं एक्टर हूं बिजनेस एंड प्रोफेशन से आने वाला इनकम मेरे लिए इनकम बनेगा ये देखो ये डेफिनेशन के अंदर में कवर हो गया बराबर है किसी भी तरीके का गेम आप यू you नो know, आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं आपके बदले कोई ड्रीम इलेवन पे टीम बना रहा kind of है उसमें आया है तो यह टैक्सेबल होगा इस बात को आपको याद रखना होगा गेटिंग इट और नॉट अच्छा जी सर अब मैं कुछ और बातें करता हूं इनकम का जो डेफिनेशन है, ये बहुत वाइड, डेफिनेशन है। वाइड मतलब ये बहुत बड़ा डेफिनेशन है इसे छोटा सा डेफिनेशन नहीं है सर इनकम के डेफिनेशन और उसके सेक्शन नंबर को याद रखना है बिल्कुल नहीं नहीं ये दोनों भी काम आपको नहीं करना है बट मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप हर बार अभी ही नहीं सीए बनने के बाद भी जज कर पाओगे कि क्या ये इनकम है और इस इनकम पे टैक्स देना है या नहीं अब सर ध्यान से सुनिएगा इस बात को रजिस्टर में लिखिए एवरे रजिस्टर में लिखिए इनकम रजिस्टर में लिखिए इनकम इनकम मतलब क्या इनकम मींस रिसिप्ट इनकम हुई है मतलब एक्चुअली आपको कुछ रिसीव हुआ है लेकिन हर रिसीव इनकम नहीं होती इनकम मींस रिसीट लेकिन हर रिसीट इनकम नहीं होती ये मंत्र मेरे साथ वापस बोलो एवरी मनी इनकम इनकम मींस रिसीट पर हर रिसीट इनकम नहीं होती हर रिसीट इनकम नहीं होती रिसीट्स को दो पार्ट के अंदर में डिवाइड करते हैं रिसीट्स को दो पार्ट के अंदर में डिवाइड करते हैं एक कैपिटल रिसीट दूसरा रेवेन्यू रिसीट जरा ध्यान से सुनिएगा साहब रिसीट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट बराबर है अब ये क्या है ध्यान से सुनिएगा इनकम मीन्स रिसीट पर हर रिसीट इनकम नहीं होती कैपिटल रिसीट रेवेन्यू रिसीट ये दो तरह की रिसीट है कैपिटल रिसीट्स आर नॉट चार्जेबल टू टैक्स जनरली कैपिटल रिसीट्स आर नॉट चार्जेबल टू टैक्स अनलेस स्पेसिफिकली टैक्सेबल सो कैपिटल रिसीट्स आर नॉट चार्जेबल टू टैक्स अनलेस स्पेसिफिकली टैक्सेबल कैपिटल रिसीट्स आर नॉट चार्जेबल टू टैक्स अनलेस स्पेसिफिकली टैक्सेबल जब तक के उसको स्पेसिफिकली टैक्स नहीं कर दिया जाता तब तक के वो कभी टैक्स में नहीं लाई जाती रेवेन्यू रिसीट्स आर ऑलवेज चार्जेबल टू टैक्स आर ऑलवेज टैक्सेबल अनलेस डिडक्शन और एग्जाम्शन इज अवेलेबल Capital receipt, revenue receipt, capital receipt are not chargeable to tax unless specifically taxable. Revenue receipt are always taxable unless deduction or exemption is available. मालिक अच्छा ऐसा हो सकता है कुछ बच्चों को इसके वीडियो क्वालिटी के ऊपर यू नो दिखे ये एज ऑफ नो यूट्यूब पे तो हो सकता है आप अपने तरफ से वीडियो क्वालिटी एक बार इंप्रूव करके देखिए हमारे तरफ से भी तो चल ही रहा है क्योंकि ये लाइव स्ट्रीम है तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है राइट बट हम उसके ऊपर भी दो दिन से वर्क कर रहे हैं पॉसिबिलिटी है कि कल से या माइट भी परसों से ये और ज्यादा आपको इंप्रूव दिखे तो उसका टेंशन मत लेना इसीलिए मैं जो लिखा है वो बोल के भी बता रहा हूं कैपिटल रिसीट्स आर ऑलवेज चार्जेबल टू टैक्सिफिकली टैक्सेबल रेवेन्यू रिसीट टैक्से इनकम वर्ड को डिस्कस कर रहे पार्ट में डिवाइड कीजिए कैपिटल रिसीट रेवेन्यू रिसीट इसे दो पार्ट में डिवाइड कीजिए कैपिटल रिसीट रेवेन्यू रिसीट अब कैपिटल रिसीट आर नॉट चार्जेबल आप यह पूछेंगे कि receipts, सर, होता क्या है आखिर क्या क्या कैपिटल रिसीट के अंदर में लाया जा सकता है तो मैं आपको बताऊंगा कि कैपिटल रिसीट्स मेजरली क्या होते हैं इट इंक्लूड्स लोन लाइबिलिटी कैपिटल पर्सनल इफेक्ट्स कैपिटल रिसीट्स के अंदर में चार चीजें आती है लोन लाइबिलिटी कैपिटल पर्सनल इफेक्ट्स सर अब इस पॉइंट को समझते हैं मान लीजिए मान लीजिए विशाल सर ने दस लाख रुपए का लोन विजय को दिया विजय के लिए तो रिसीव्ड हुई पर क्या यह रिसीव्ड इनकम है तो जरा सोच के देखिए हर रिसीव्ड इनकम नहीं होता विशाल सर ने विजय को लोन दिया विजय के दोस्त ने विजय को लोन दिया लेट से विजय के दोस्त ने विजय को लोन दिया विजय के दोस्त ने अगर विजय को लोन दिया क्या विजय के लिए इनकम है आंसर इज नो ये तो लोन है हर रिसीव इनकम नहीं होती हर रिसीव इनकम नहीं होती लोन इज नॉट ए इनकम अब ऐसे केस में पैसा तो भले ही आया है लेकिन यह इनकम नहीं है दूसरा है लाइबिलिटी लाइबिलिटी इज अग वर्ड लोन इसके अंदर ही आता है कैपिटल भी इनफैक्ट इसके अंदर ही आता है किसी भी तरह का लाइबिलिटी लेट से बैंक ने मेरे को लोन दिया आई आईसीआई बैंक ने मेरे को लोन दिया अब क्या ये मेरी इनकम है एक मिनट ये रिसीट तो है लेकिन ये मेरी इनकम नहीं है क्योंकि ये कभी ना कभी वापस दिया जाएगा ये yes सोनो no? ये उधार है ये उधार है और उधार वापस देना होता है जिस तरीके से कभी प्यार वापस देना होता है उस तरीके से उधार भी वापस देना होता है कोई आपको प्यार करे आप प्यार वापस दीजिए कोई आपको उधार दे वो उधार वापस कीजिए यह आपके लिए इनकम नहीं हुई रिसीट तो है पर इनकम नहीं हर रिसीट इनकम नहीं होती कैपिटल खुद का कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन वो आप लोगों ने पढ़ा है ना अकाउंट्स में सेपरेट लीगल एंटिटी व्यक्ति अलग और कंपनी अलग सेपरेट लीगल एंटिटी सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट के अंदर कोई देख लीजिए आप मैंने अगर कैपिटल बिजनेस के अंदर में डाला क्या ये मेरा इनकम हुआ बिजनेस का इनकम हुआ नहीं क्योंकि ये कैपिटल है अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी लोन एंड कैपिटल आर पार्ट ऑफ लाइबिलिटी जस्ट अलग अलग लिखा है आपको एक्सप्लेन करने के लिए सो लाइबिलिटीज आर नेवर कैपिटल आर नेवर इनकम दूसरा पर्सनल इफेक्ट ये पर्सनल इफेक्ट क्या होता है जो चीज आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हो पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हो इसके ऊपर या इसे बेचने पे कभी आपको टैक्स नहीं आएगा आप देखिए बचपन से लेके आज तक के आपने अपने घर में कई चीजें अपग्रेड करी होंगी लेट्स से पुराना टीवी फ्रिज एसी बेचा होगा वॉशिंग मशीन बेची होगी उस टाइम पे आपको पैसे आए ओ के ऊपर आपने कई चीजें बेची होगी उस पर आपको पैसे आए लेट्स से पुराना मोबाइल बेच करके आपने नया मोबाइल लिया होगा उस पर आपको पैसे जनरेट हुए इन पे कभी भी आप देखेंगे टैक्स नहीं आता क्यों नहीं आता बिकॉज दीज आर पर्सनल इफेक्ट्स पर्सनल इफेक्ट्स पे इनकम टैक्स नहीं आता क्योंकि ये इनकम में क्लासिफाई नहीं होते तो सबसे पहले जब भी आपको कोई पैसा मिले अपने आप से सवाल पूछिए ये रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है अगर ये कैपिटल रिसीट है तो ये टैक्सेबल ही नहीं है अगर ये कैपिटल रिसीट है तो ये टैक्सेबल ही नहीं है हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन आपको कैपिटल गेन में देखने को मिलेंगे इसके कुछ एक्सेप्शन आपको कैपिटल गेन में देखने को मिलेंगे इसीलिए हमने ऊपर ही वर्ड लिख दिया दे आर नॉट चार्जेबल टू टैक्स अनलेस स्पेसिफिकली टैक्सेबल तो कैपिटल गेन में कुछ पार्ट ऐसा आता है जहां पे पर्सनल इफेक्ट टैक्सेबल किया जाता है पर्सनल इफेक्ट को क्या किया जाता है टैक्सेबल किया जाता है आगे का पार्ट है एज ऑफ नाउ ये समझते हैं तो सर जब भी मुझे पैसा मिला मेरा सबसे पहले देखिए लीगल और इन इनकम टैक्स इसमें कभी क्लासिफाई नहीं करता क्योंकि आप इनकम की डेफिनेशन को ओपन करके देखेंगे उनने एक भी जगह पर नहीं लिखा है लीगल और आपको तो पता है एक्ट में हम ढूंढने गए कि लीगल या इन इनकम एक्ट में कुछ मिला नहीं तो चलिए लॉ कैसे रीड किया जाता है क्योंकि इनकम के डेफिनेशन पे तो कहीं नहीं लिखा था अब तक हमने कैपिटल रिसीट रेवेन्यू रिसीट भी जितना पड़ा उसमें भी हमको कहीं नहीं लिखा तो हम एक्ट में गए हमने इनकम टैक्स एक्ट के से पूछा हे इनकम टैक्स मुझे बता क्या तू सिर्फ लीगल इनकम टैक्स करेगा या इन इनकम इनकम टैक्स ने मुझे कहा ब्रो चिल आई डोंट नो आई डोंट नो हाँ सेक्शन 224 को देखिए कहीं पे भी नहीं लिखा है लीगल वर्ड तो हम हमें सिखाया गया उस मुताबिक सबसे पहले गए एक्ट में एक्ट क्लैरिटी नहीं देता लीगल और इन के नाम पे अब कहां जाए केस लॉ यही मैटर हुआ था एक केस लॉ आपके सामने रखता हूं जरा ध्यान से सुनिए इस केस लॉ का नाम है टी ए कुरेशी जिसमें हेल्ड हुआ इनलीगल इनकम इज

ये लीगल है या इलीगल है इंडियन पेनल कोड देखते बैठे अगर ये रेवेन्यू रिसीट के डेफिनेशन में आ रहा है तो बस ये टैक्सेबल है गेम ओवर इन लीगल इनकम ऑर्थो तो चार्जेबल टू टैक्स केस क्या था केस ये था कि जब कुछ गुड्स कस्टम से लाए जा रहे थे ध्यान से सुनिए केस क्या था टीए कुरेशी स्मगलिंग करके कुछ गुड्स इंडिया में लेकर के आ रहे थे कस्टम डिपार्टमेंट वालों ने पकड़ा और कस्टम डिपार्टमेंट वालों ने इनका पूरा का पूरा माल जब्त कर लिया पूरा का पूरा का माल सीज कर लिया जब इनकम टैक्स भरने की बारी आई जब इनकम टैक्स भरने की बारी आई तो तो हुआ ये कि असेसिंग ऑफिसर ने इनकी इनकम को टैक्स तो किया लेकिन जब इन्होंने लिखा बैड डेप्स गुड्स लॉस्ट पीएनएल के डेबिट में तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा नहीं हम ये जो तेरा कस्टम डिपार्टमेंट ने सीज किया है हम इसका डिडक्शन तुझे नहीं देंगे बोला वाह मस्त मस्त इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मस्त जब इनकम टैक्स करने की बारी आई तो आपने भगा भगक भगा भगक मेरी सारी इनकम पीएनएल के डेबिट में डाली आज जब मेरे गुड्स पकड़े गए मेरा गुड्स लॉस्ट हुआ गुड्स इन ट्रांसिट लॉस्ट हुआ तो तुम मुझे इसका डिडक्शन नहीं दोगे यह कैसी बात हुई आई लाइक यू एज अ फ्रेंड अरे भैया ये ये कैसी बात हुई आई लाइक यू एज अ फ्रेंड तुम इन लीगल एक्टिविटी से आने वाली इनकम को लेना चाहते हो पर तुम मेरे खर्चे नहीं देखना चाहते वो, वो लॉस हुआ वो नहीं देखना चाहते तोड़ा तोड़ा कुत्ता कुत्ता साड़ा नहीं कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता ऐसे थोड़े ना होता है ऐसे थोड़ी ना होता है आई लाइक यू एज अ फ्रेंड या लर्थ है सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया मैटर गया कोर्ट के अंदर में नॉट जस्ट सुप्रीम कोर्ट मैटर गया कोर्ट के अंदर में कुरेशी माय लॉर्ड ओ माय लॉर्ड देख रहे हो तुम ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले इनको मेरी इनकम तो चाहिए मेरी इनकम पे टैक्स तो चाहिए पर ये मुझे जो डिपार्टमेंट वालों ने पकड़ा है उस गुट को नहीं देना चाहते उसका डिडक्शन नहीं देना चाहते वाह हेलो इल्लीगल है ये इल्लीगल माय लॉर्ड आप लॉर्ड मेरी भी सुनो इल्लीगल है ये इल्लीगल कैसे आप एडजस्ट करोगे अच्छा इलीगल तो तुम बड़ा इनकम को कंसिडर कर रहे हो इनकम भी तो इलीगल है इनकम दो तो तुम बड़ा कंसिडर कर रहे हो इनकम को तो बड़ा प्यार कर रहे हो आज मेरी इनकम आ जा इसके ऊपर तो बड़ा तीस परसेंट टैक्स लगा रहे हो जब खर्चे देने की बात आई तब तो तुम पलट गए नहीं सर आप समझ नहीं रहे इलीगल नहीं है ना ये इंडियन पेनल कोड चुनौतियों का सामना करो कभी जीवन में कैसी बातें कर रहे हो तुम्हें मेरी इनकम तो चाहिए पर तुम उसके ऊपर खर्चा नहीं रखना चाहते माई लॉर्ड ये गलत है आई आई ऑब्जेक्ट आई ऑब्जेक्ट देखो ऐसा करना ना मैं नहीं खेल रहा नहीं ऐसा करना मैं नहीं खेल रहा हट नहीं नहीं ये ये क्या ये क्या बात हुई आपको इनकम कंसिडर करना है आप मेरे खर्चे नहीं कंसिडर करोगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरे भाई ये चील चिल ये क्या है मैं नहीं खेल रहा आपको गेम खेल रहे हैं यहां पे रुक ठहरो जरा ऐसे नहीं होता है एक काम कर तेरी इनकम कंसिडर हुई है डिपार्टमेंट इसकी इनकम कंसिडर हुई है यस माई लॉर्ड इनकम तो हम लेंगे बिकॉज ये कैपिटल रिसीट नहीं है ना यह लोन है ना यह लाइबिलिटी है ना यह कैपिटल है ना यह पर्सनल इफेक्ट है तो इनको छोड़ के जितनी रिसीट है वो रेवेन्यू रिसीट बन गई एंड रेवेन्यू रिसीट आर ऑलसेल चार्जेज ऑलवेज चार्जेबल टू टैक्स तो क्या गलत बोल रहा है वो आदमी क्या गलत बोल रहा है आदमी तुम इनकम भी कंसिडर मत करो वो खर्चे भी नहीं डालेगा आज अगर एक नॉर्मल बिजनेसमैन होता और उसके गुड्स आते आते मान लो ट्रक पलट जाता तो वो गुड्स इन ट्रांजिट का लॉस तो रिकॉर्ड करता पीएनएल के अंदर में इसके केस में गुड्स सीज हुए हैं वो, वो कर रहा है क्या गलत हुआ पर माय लॉर्ड आप समझ नहीं रहे आप उस उस व्यक्ति का साथ दे रहे जो इनलीगल एक्टिविटी कर रहा है आपका देश में ए भाई सुन मैं जज हूं जज को मत सिखाओ क्या गलत है क्या सही है तुम जो कर रहे हो वो सही है क्या वो इनलीगल है वो इंडियन पेनल कोड देखते बैठेगा बाप को ज्ञान मत सिखाओ तुम वो उधर देखते बैठेगा उसके लिए एक सेपरेट कानून बना है लीगल इन लीगल के लिए इसे दूसरे लॉ के अंदर में फंसाया जाएगा तुम सिर्फ इनकम टैक्स की बात करो इनकम टैक्स में तुम सही कर रहे हो क्या कि तुम इसकी इनकम तो कंसिडर कर रहे हो खर्चे नहीं जाहिर सी बात थी डिपार्टमेंट हारा डिपार्टमेंट ने बोला चलो ठीक है सर हम इसका खर्चा भी कंसिडर करते हैं और अब इसकी इनकम को टैक्स किया जाएगा ये वो केस लो था जिसने इंडियन हिस्ट्री को बदल के रख दिया और इस बात को क्लैरिफाई कर दिया कि इनकम टैक्स हैज नथिंग टू डू विथ लीगल और इन इनकम टैक्स इनकम पे ही मरता है और इनकम पे ही कलेक्ट करता है उम्मीद करता हूं आप सबको बहुत मजा आ रहा होगा वैसे भी आप लोग के हंसी वाले कमेंट्स देख के मुझे समझ में आ गया कि साहब आपको ये केस जबरदस्त यहां नहीं यहां गुस्सा होगा इस बात की गारंटी मैं ले लेता हूं बराबर है सो इज इट लीगल और इन तो सुल्तान मिर्जा वाला जो केस था हमारा मुझे ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो वाला जो केस था ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे देखिए इंडियन पेनल कोड एक लॉ है जो उसके लीगैलिटी उसके इश्यू को हैंडल करेगा इनकम टैक्स सिर्फ इनकम इनकम करता है और इनकम पे ही मरता है और वो इनकम पे ही फोकस करेगा इट और नॉट चलिए सर सो वापस आ जाइए इलीगल एक्टिविटी से भी कोई पैसा कमाया अपने आप से वापस सवाल पूछे इज इट लोन नो इज इट लाइबिलिटी नो इज इट कैपिटल नो इज इट पर्सनल इफेक्ट नो तो बस ऑल रिसीट ऑल रिसिप्ट विच आर नॉट कैपिटल रिसीप्ट ऑल रिसिप्ट विच आर नॉट कैपिटल रिसिप्ट आर रेवेन्यू रिसीप्ट All receipts, which are not capital receipts, are revenue receipts. डन मालिक अब हम आते हैं वापस से हमारे सारे एग्जाम्पल के ऊपर पहला एग्जाम्पल हम स्मगलिंग करते हैं ड्रग्स बेचते हैं क्या ये इनकम है यस केस लॉ टी ए कुरेशी जजमेंट इन लीगल इनकम इज ऑल्सो लाइबल टू टैक्स इनकम टैक्स हैज नथिंग टू डू विथ लीगल और इन लीगल हमने कोई गेम खेला कोई यू नो लॉटरी गैमलिंग करी बैटिंग करी क्या इसके अंदर में भी टैक्स आएगा देखिए ये बात अलग है कि ये कौन बताएगा कौन इसे अपनी इनकम शो करेगा ये सब अलग विषय है क्या ये इनकम है आंसर इज यस बराबर तीसरा रस्ते से जा रहा था, खा रहा था था खा अचानक हजार का नोट दिखा उठाया जेब में डाल दिया क्या ये मेरी है? इसका जवाब, क्या ये रेवेन्यू रिसीट है? है तो ये, क्या ये लोन है नहीं लाइबिलिटी है नहीं कैपिटल रिसीट है नहीं पर्सनल इफेक्ट है नहीं बस ये रेवेन्यू रिसीट बन गया रेवेन्यू रिसीट आर ऑलवेज चार्जेबल टू टैक्स रेवेन्यू रिसीट आर ऑलवेज चार्जेबल टू टैक्स फिर You know, मंदिर और गुफाओं में जाकर के जो आप अमाउंट देते हो ये तो हमने इनकम के डेफिनेशन के अंदर ही पढ़ लिया किसी को गिफ्ट देते हो यस yes, ये हमने इनकम के डेफिनेशन के अंदर ही पढ़ लिया राइट right? एक और एग्जाम्पल था सोने का दांत निकाला बेच मारा पैसे आए क्या ये मेरी इनकम है अब जरा सोच के देखिए दांत एक पर्सनल इफेक्ट हुआ इसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए क्या नहीं पर सोने का दांत मैंने आपसे वर्ड यूज किया दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शन टू पर्सनल इफेक्ट जो आप कैपिटल गेन में देखोगे जो आप कैपिटल गेन में देखोगे कि यस अगर यही नॉर्मल दांत होता या लेट्स से कोई और आ, आ, कोई और ऑर्नामेंट से बना होता विच इज नॉट कम्प्राइजिंग ऑफ एनी गोल्ड ज्वेलरी बुलियन तो हम इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाते क्योंकि पर्सनल इफेक्ट होता अदरवाइज इसके ऊपर टैक्स होता मैंने मेरी किडनी निकाली बेच मारी पैसे आए क्या ये मेरी इनकम है आंसर इज नो पर्सनल इफेक्ट किडनी बेचना लीगल है या है हम इस पर बात ही नहीं कर रहे क्योंकि अब आप पॉइंट को अपने दिमाग में बैठा लीजिए लीगल है इन है इससे हमारा कोई लेन देन नहीं है किडनी निकाल के बेच मारी क्या इसके ऊपर टैक्स आ सकता है क्या इनकम टैक्स में नहीं क्यों पर्सनल इफेक्ट है आपने अपने घर का रद्दी सोफा टीवी एंड अदर चीजें बेची क्या इसके ऊपर कभी टैक्स आ सकता है नहीं क्यों पर्सनल इफेक्ट है पर्सनल इफेक्ट्स के ऊपर कभी भी टैक्स नहीं आ सकता इस बात को आपको याद रखना होगा बाकी सारे रिसीट रेवेन्यू रिसीट है कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अलावा आप इनकम के डेफिनेशन को भले ही पढ़ लीजिए डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं बट अब आपको मैंने एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला दे दिया है कि कभी भी पैसा आया तो अब इसमें एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल बन सकते हैं चलिए अब आपसे एक सवाल पूछता हूं सभी से एक सवाल पूछता हूं कैपिटल रिसीट रेवेन्यू रिसीट समझ में आ गया अब आपसे एक सवाल पूछता हूं कितने सोर्सेज ऑफ इनकम है आपका समय शुरू होता है अब प्रफुल साबूजी जी मैंने आपका सवाल सुन लिया आपको सवालों के लिए मैं जवाब के लिए कुछ टाइम दूंगा प्लीज उस टाइम पूछिए सोर्सेस ऑफ इनकम कितने हैं जल्दी जल्दी बताएं चलिए कुछ लोग पढ़ के आए हैं पांच बोल रहे हैं बहुत बढ़िया बेटा इसका जवाब मैं आपको दे दू जो लोग लिख रहे हैं पांच उनका जवाब गलत है सोर्सेज ऑफ इनकम आर अनलिमिटेड इनकम टैक्स में वो पांच हेड में क्लासिफाई किए जाते हैं जवाब का जवाब क्या था जरा ध्यान से सुनिए सवाल क्या था सोर्सेज ऑफ इनकम कितने हैं सोर्सेज ऑफ इनकम आर अनलिमिटेड इनकम कैसे भी कमाई जा सकती है कुछ भी करके इनकम कमाई जा सकती है लीगल इनलीगल इस बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं सोर्सेज ऑफ इनकम आर अनलिमिटेड ज आर क्लासिफाइड इन फाइव हेड इसे पांच हेड में क्लासिफाई किया जाता है इसे पांच हेड में क्या किया जाता है क्लासीफाई किया जाता है जरा ध्यान से सुनिएगा सोर्सेज ऑफ इनकम आर अनलिमिटेड दीज आर क्लासिफाइड इन फाइव हेड्स एस पर सेक्शन फोर्टीन और ऐसा करने के लिए सेक्शन फोर्टीन कहता है तो सोर्सेज ऑफ इनकम आर अनलिमिटेड दीज आर क्लासिफाइड इन फाइव हेड्स नाउ व्हाट आर द फाइव हेड्स सैलरी हाउस प्रॉपर्टी PGBP that is profit and gains from business or profession, fourth, capital gains, fifth, IFOS that is. Income from other sources salary, house property, PGBP, capital gains, IFOS income from other sources. मालिक चलिए तो आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए कि सोर्सेज ऑफ इनकम कितने हैं आपका जवाब होना चाहिए अनलिमिटेड डाला इसे पांच हेड के अंदर में जाता है सैलरी हाउस प्रॉपर्टी पीजीपीपी कैपिटल गेन अदर सोर्सेज जो आपके आगे के पांच हेड है सर इनकम की डेफिनेशन को हमें याद रखना चाहिए क्या या उसमें से एक एक रीड करना चाहिए क्या बिल्कुल काम की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इनकम की डेफिनेशन आगे हर चैप्टर में आपको क्लैरिफाई हो जाएगी नाइस डेफिनेशन को याद रखना नाइस सेक्शन नंबर को याद रखना बिंदास आगे बढ़ सकते हो तो साहब वट इज इनकम ये हमारा लास्ट वर्ड था इनकम मीन्स रिसीट पर हर रिसीट इनकम नहीं होती कैपिटल रिसीट रेवेन्यू रिसीट कैपिटल रिसीट आर ऑलवेज चार्जेबल टू टैक्स नो दे आर नॉट चार्जेबल टू टैक्स अनलेस स्पेसिफिकली टैक्सेबल बट जो रिसीट कैपिटल रिसीट नहीं है वो रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट आर ऑलवेज चार्जेबल टू टैक्स अनलेस डिडक्शन और माई गॉड यहां से हमें दो वर्ड और मिल गए यहां से हमें दो वर्ड और मिल गए डिडक्शन और एग्जम्पन तो आइए फटाफट बात करते हैं डिडक्शन और एग्जम्शन क्या है आपको तो पता है मैं तो बड़ा एवरेज बच्चा हूं मुझे तो पहली बार समझ में आया ये वर्ड तो दो नए वर्ड हमारे जिंदगी में आ गए एक हो गया डिडक्शन दूसरा हो गया एग्जम्पन कहां से मिला हमें हमें इनकम से मिला और दो वर्ड ये डिडक्शन मतलब क्या होता है ये एग्जाम्शन मतलब क्या होता है आओ अब इन्हें खोदते हैं इनमें बहुत डीप जाते हैं कि डिडक्शन मतलब क्या होता है और एग्जम्पन मतलब क्या होता है क्योंकि आप और मैं तो पहली बार टैक्स पढ़ रहे हैं हमें क्या अपन एवरेज बच्चे हैं डिडक्शन और एग्जम्शन ध्यान से सुनिए एग्जम्पन जब भी हम बात करते हैं एग्जाम इनकम हम इसके आगे पढ़ेंगे एग्जाम इनकम एक्जंग्ट इनकम का मतलब क्या कुछ इनकम ऐसी है जिनके ऊपर इनकम टैक्स टैक्स ही नहीं लेना चाहता उसे इनकम मानना ही नहीं चाहता उसे एग्जम्प्ट कैटेगरी में रख देता है उसे एग्जाम कैटेगरी में रख देता है अब इसके मल्टीपल लॉजिक्स मल्टीपल मोटिवेशन हो सकते हैं वो स्ट्रेट अवे कहता है मुझे इन चीजों से चाहिए ही नहीं टैक्स सो एग्जाम इनकम मीन्स इनकम 100 परसेंट एग्जाम ऑल सच इनकम विच आर एग्जाम आर कवर्ड अंडर सेक्शन 10। सेक्शन टेन नाम का एक सेक्शन है सेक्शन फिफ्टी फोर नाम का एक सेक्शन है ये वो दो सेक्शन है जिनमें एक लिस्ट लिखी हुई है कि कौन कौन सी इनकम पे हम टैक्स नहीं लेंगे पहले इतना लिख लीजिए इनकम मींस हंड्रेड परसेंट इनकम सो इनकम हंड्रेड परसेंट एक्सम ऑल सच इनकम विच आर एग्जाम आर कवर्ड अंडर सेक्शन टेन एंड फिफ्टी फोर डन सर अच्छा जी वॉट इज डिडक्शन डिडक्शन का मतलब होता है पार्शल एग्जाम्शन डिडक्शन का मतलब होता है पार्शल एग्जाम्शन पार्शल मतलब इनकम पूरी एग्जाम्ट नहीं है कुछ पार्ट इनकम का एग्जाम्ट है राइट right? डिडक्शंस कहां कहां अवेलेबल होते हैं डिडक्शंस डिडक्शन आर अवेलेबल हेडवाइस एंड आउट ऑफ टोटल इनकम डिडक्शन दो तरफ से मिलते हैं एक जब आप इंडिविजुअली हेड कंप्यूट करते हो सैलरी हाउस प्रॉपर्टी पीजीबीपी कैपिटल गेन अदर सोर्सेज उनमें से भी कुछ डिडक्शन मिलते हैं जिसे हम कहते हैं हेडवाइज डिडक्शन और कुछ आपकी टोटल इनकम से मिलते हैं जिसे हम कवर करते हैं सेक्शन एट्टी सी टू एट्टी यू ATC to ATU. एटी डन सर तो डिडक्शन अच्छा जी सर तो जनरली रेवेन्यू रिसीट्स आर ऑलवेज टैक्सेबल पर जब भी रेवेन्यू रिसीट मिली हमें सबसे पहले चेक करना पड़ता है क्या उनमें से कुछ डिडक्शन या एग्जाम्शन अवेलेबल है क्या डिडक्शन या एग्जाम अवेलेबल है तो अकॉर्डिंगली बैलेंस इनकम या फिर नो इनकम हमें क्या करना होता है टैक्सेबिलिटी के अंदर में लेके आनी होती है तो ये डिडक्शन और एग्जाम्शन वर्ड कहां से निकला था हम ढूंढने निकले क्या इनकम इनकम में हम गए रेवेन्यू रिसीट में रेवेन्यू रिसीट में हमें दो वर्ड मिले डिडक्शन एग्जाम्शन हम डिडक्शन और एग्जाम्शन ढूंढने निकल गए हमें पता चला सेक्शन टेन और फिफ्टी फोर एक लिस्ट कवर करते हैं जिसमें वो सारी इनकम कवर होती है जो एग्जाम के अंदर में हम क्या कवर करते हैं डिडक्शन में हमें दिखता है कि हेडवाइज भी डिडक्शन अवेलेबल है और टोटल इनकम से भी डिडक्शन अवेलेबल है तो हमें वो भी कंसिडर करना होता है इट मालिक यस अच्छा जी सर जब इनकम टैक्स में हो तो एक और चीज पढ़ लो ग्रॉस टोटल इनकम टोटल इनकम ये वर्ड और डालो ग्रॉस टोटल इनकम जिसे हम प्यार से कह सकते हैं जीटीआई, इसे हम प्यार से कह सकते हैं टीआई ग्रॉस टोटल इनकम टोटल इनकम चलिए ग्रॉस टोटल इनकम मतलब क्या होता है बेटा ग्रॉस टोटल इनकम इनकम ऑफ ऑल फाइव हेड्स आफ्टर क्लबिंग एंड सेट ऑफ पांचों हेड की जब इनकम को मिला दो तो ये बनता है बेटा ग्रॉस टोटल इनकम पांच हेड की इनकम को जब आप मिला दोगे ये बनता है आपका ग्रॉस टोटल इनकम पांच हेड सैलरी हाउस प्रॉपर्टी पीजीबीपी कैपिटल अदर सोर्सेस इन पांचों को मिला दो तो जो टोटल आती है इस टोटल को हम कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम इसमें क्लबिंग और सेट ऑफ को भी एडजस्ट किया जाता है क्या होता है पता चलेगा आगे क्लबिंग और सेट ऑफ वर्ड मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है सो व्हाट ग्रॉस टोटल इनकम पांच हेड की इनकम को अगर मिला दो तो इसे हम क्या कहेंगे ग्रॉस टोटल इनकम अच्छा जी सर सर ग्रॉस टोटल इनकम के बाद ये टोटल इनकम क्या है ग्रॉस टोटल इनकम में से अगर आप माइनस कर दो डिडक्शन अगर आप क्या माइनस कर दो डिडक्शन माइनस कर दो तो जो बचता है उसे हम कहते हैं टोटल इनकम सो व्हाट इज टोटल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन डन तो हमने और दो चीज पढ़ी ग्रॉस टोटल इनकम टोटल इनकम व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम पांच हेड अभी हम देख क्या है सैलरी हाउस प्रॉपर्टी पीजीबीपी कैपिटल गेन अदर सोर्सेस इन पांचों का टोटल करके जो आएगा इसे हम कहेंगे ग्रॉस टोटल इनकम इसमें से डिडक्शन माइनस करेंगे तो जो बच जाएगा इसे हम कहेंगे टोटल इनकम वर्ड मैंने आपको इसलिए पढ़ाया क्योंकि प्रॉब्लम में कई बार आपको सिर्फ ग्रॉस टोटल इनकम कंप्यूट करने बोला जाता है जबकि कई बार आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना कवर करने बोला जाता है टोटल इनकम कवर करने बोला जाता है तो डिपेंडिंग अपॉन डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या बोला है ग्रॉस टोटल इनकम करने बोला है या टोटल इनकम करने बोला है डिपेंडिंग अपॉन दैट केस आप डिफर करते हो डिपेंडिंग अपॉन दैट पर्टिकुलर केस आप क्या करते हो डिफर करते हो तो हमें चार वर्ड पढ़ने थे वापस आ जाओ साहब लेक्चर के एंड लेक्चर के इस डिस्कशन के एंड पे आ रहे हैं हम लोग हमें चार वर्ड पढ़ने थे इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब तक मैंने सिर्फ चार वर्ड ही पढ़ाए हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 यहां तक कि आपका पूरा इनकम टैक्स का सिर्फ और सिर्फ बेसिक ही पढ़ाए जा रहे हैं मैं सिर्फ अलग अलग शब्द जो यूज होने वाले हैं उसके मीनिंग समझाए जा रहा हूं आपको आज हमने पूरा का पूरा डिस्कशन किया 1961 और इनकम के ऊपर 1961 का लॉ 2021 में क्यों पढ़ रहे हैं रीजन है अमेंडमेंट और अमेंडमेंट का पूरा डिटेल हमने देखा मे ट्वेंटी जून ट्वेंटी नवंबर ट्वेंटी वन डिसम्बर ट्वेंटी के लिए हमें जो फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है वो फाइनेंस एक्ट सही जवाब ट्वेंटी एप्लीकेबल है डन इनकम अ रिसीट पर हर रिसीट इनकम नहीं होती कैपिटल रिसीट रेवेन्यू रिसीट कैपिटल रिसीट चार एग्जाम्पल होते हैं उसके लोन लाइबिलिटी कैपिटल पर्सनल इफेक्ट और जो रिसीट कैपिटल रिसीट नहीं है वो रेवेन्यू रिसीट है रेवेन्यू रिसीट हर बार चार्जेबल टू टैक्स होती है लीगल इनलीगल से इसका कोई लेन देन नहीं एक और एग्जाम्पल था हमारा एग्जाम्पल हमारा ये था कि सर मैंने सिर्फ एक प्लेन या एक ट्रेन बना के बेची क्या ये मेरी इनकम है आंसर इज येस इनकम का रिकरिंग और नॉन रिकरिंग से भी कोई लेन देन नहीं है ये सब अकाउंट्स में होता है इनकम टैक्स में एक बार कमाई हुई इनकम भी इनकम होती है फॉर एग्जाम्पल लॉटरी तुम्हें रोज नहीं लगती पर लॉटरी अर्न किया तो तुम्हारी इनकम है बस यही प्रूव कर देता है कि इनकम टैक्स को रिकरिंग और नॉन रिकरिंग से कोई लेन देन नहीं है अगर इनकम है तो इसके ऊपर टैक्स है रिकरिंग नॉन रिकरिंग से हमारा कोई लेन देन नहीं है गेटिंग इट और नॉट सो so, इनकम से हम गए रेवेन्यू रिसीट के ऊपर रेवेन्यू रिसीट से और दो वर्ड मिले डिडक्शन एक्सम्पन एक्सम्शन इज हंड्रेड परसेंट एक्साम जिसकी पूरी लिस्ट सेक्शन टेन और फिफ्टी फोर में लिखी हुई है डिडक्शन इज पूरी इनकम नहीं है उसका कुछ पोर्शन उसका कुछ पार्ट uh, क्या होगा टैक्सेबल नहीं होगा वो भी हम लोगों ने देखा ग्रॉस टोटल इनकम जब पांच हेड की इनकम को मिला के जो टोटल आएगा उसे हम ग्रॉस टोटल इनकम लिखेंगे इसमें से डिडक्शन माइनस करने के बाद जो फिगर बचेगी इसे हम टोटल इनकम लिखेंगे और जो टैक्स पे होता है वो टोटल इनकम पे पे होता है ग्रॉस टोटल इनकम पे नहीं आई रिपीट जो टैक्स पे होता है यहां पे अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं वहां पे आप चाहो तो लिख भी सकते हो वी पे टैक्स ऑन टोटल इनकम ये यहां लिखो वी पे टैक्स ऑन टोटल इनकम वी पे टैक्स ऑन टोटल इनकम डन मालिक यस चार वर्ड पढ़े साहब अभी तक के सिर्फ चार के ऊपर मैं गया नहीं हूं इनकम टैक्स मैंने अब तक चालू नहीं किया एक सेक्शन नहीं पढ़ा आपको अब तक इनकम टैक्स का और आप देख सकते हैं अब तक के मैं आपको सिर्फ बेसिक मेरा लॉजिक बड़ा क्लियर है यार मैं एवरेज बच्चा रहा हूं और मुझे लगता ना कि मैंने हर चीज जीरो से पढ़नी चाहिए और आप तो पहली बार इनकम टैक्स पढ़ रहे हो यार यही फास्ट ट्रैक बैच होता भी मैं इतना डिटेल डीप डिस्कशन में नहीं जाता फास्ट ट्रैक बैच के अंदर में हम इतना डिटेल डिस्कशन में नहीं जाते क्योंकि हमें पता होता है बच्चा एक बार इसे पढ़ चुका होता है या इस बारे में उसको हल्का बहुत थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो हम फास्ट ट्रैक्स में इतने डीप में नहीं जाते रेगुलर में हमें जाना होता है क्योंकि हमें पता होता है बच्चा पहली बार पढ़ रहा है तो इस बात को हम ध्यान रखते हैं गेटिंग इंटर नॉट मालिक सो दैट्स इट अब आपका ले लेता हूं मैं क्वेरी सेशन कल के लेक्चर के अंदर में ध्यान से सुनना एवरीबडी ध्यान से सुनना कल के लेक्चर में कैलकुलेटर मैंडेटरी रहेगा अब तक जितना पढ़ा है पढ़ के आना अब मैं ले लेता हूं साहब आपकी क्वेरीज को एवरीबडी नाउ आप मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं मैंने सामने रख दिया है फोन को अब आप पूछिए सर क्वेरीज आपको समझ में आ रहा है क्या पहले तो मुझे यह बता दीजिए ताकि मैं इंश्योर हो जाऊं सबसे पहली बात वीडियो क्वालिटी के ऊपर मैं बात कर लेता हूं वीडियो क्वालिटी के ऊपर मैं आपको कह देता हूं कि सर वी आर वर्किंग हमने कल भी देखा क्योंकि हमें कल भी एक क्वेरी आ गई थी तो हमने कल भी देखा आज भी हम लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं है बट हो सकता है कि ये एक दो दिन का टेक्निकल ग्लिच हो क्योंकि हम लोग भी लाइव ले रहे हैं तो एक दो दिन का टेक्निकल ग्लिच हो सकता है बट हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं ठीक है सर एक सवाल तुषार का है अगर मनी लेंडर ने गुड सेल किया स्पेशल राइट्स की वजह से आफ्टर द डेट ऑफ लोन वो कौन सी रिसीट हुई वो उसका बिजनेस है बिजनेस रिसीट हुई बेटा जबरदस्त लग रहा है आपको लोग को लेक्चर मालिक फुल रिस्पेक्ट एवरी डाउट इज क्लियर थैंक यू सो मच बच्चा सर इन इनकम का एक्सपेंसेस हमें कंसिडर किया था जो हमें लॉस हुआ था बिल्कुल बराबर किशन वो हमें लॉस हुआ था उस केस लॉ के बाद इनकम टैक्स ने कहा हम इलीगल इनकम तो कंसिडर करेंगे लेकिन इलीगल खर्चों को अलाउ नहीं करेंगे उसी के बाद, ये respect, so much, आप मजा आ रहा है भगवान को टैक्स पेबल होगा क्या बेटा कल हम पर्सन की डेफिनेशन पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा मैंने जैसे ही आपसे कहा कि बेटा ये पढ़ना बाकी है तो रुक जाओ मैं जानता हूं आपको एक बार इनकम टैक्स में इंटर होने के बाद ऐसा लगता है पढ़ते रहो बट थोड़ा सा सबर भी रखो सीएमए का टैब आज वेबसाइट के ऊपर ओपन हो जाएगा सीएमए का टैब आज वेबसाइट के ऊपर ओपन हो जाएगा कल मैंने इसका वीडियो डाल दिया है सेकेंड हैंड गुड सेल करके इनकम होगी क्या बिल्कुल सर ये उनका बिजनेस है सर 500 में सारे सब्जेक्ट्स की बुक मिलेगी क्या आप बेटा वेबसाइट देख लीजिए अगर ये ऑफर होगा तो कंफर्म ले लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है सो so, तारा पान सेंटर औरंगाबाद मालिक थैंक यू यू आर द बेस्ट थैंक यू अनुजा बेटा सर एग्जाम में अंडर सेक्शन यूज कर सकते क्या अवॉइड कीजिए ये मत यूज कीजिए अंडर सेक्शन पूरा लिखिए बट वो लिखते वक्त फुल स्पीड में हम उसको वैसा यूज करते हैं हालांकि कभी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाया इंस्टीट्यूट ने कोरा 2020 वो कारो है बेटा पहले सही लिखना सीखो उस बारे में आप प्लीज ऑडिट टीचर से बात कीजिए बाबा के ढाबा को जो डोनेशन मिला क्या वो टैक्सेबल है हाँ उनके लिए टैक्सेबल होगा ये लातूर को भी बहुत बहुत प्यार सुयश मुंबई को बहुत सारा प्यार फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी का अमेंडमेंट आप कब लेने वाले हैं जैसे कि मैंने इसके पहले भी कहा हम फरवरी या मार्च के अंदर में इसको लेंगे बुक बाइंग अवेलेबल हो जाएगी हम फाइनलाइज कर रहे हैं इसके अलावा आज का सब्जेक्ट रिलेटेड कोई डाउट प्लीज आस्क मी दिल्ली को बहुत सारा प्यार बेटा डन सीम्स कोई और डाउट नहीं है थैंक यू सो मच फॉर टुडे बाय बाय एंड टेक केयर कल लेक्चर में मिलते हैं